أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين معزز سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. अब मैंने सवाल और जवाब में से तीन सवाल निकाला है, तकरीर बना लिया है. ज्यादा फिक्की मसाइल से बजाय घरेलू जिंदगी अखलाकी सवाल ज्यादा आते हैं. कोई बात नहीं, हमें तो ये इल्मी क्लास है, अल्लाह कबूल करे, ये सबसे बड़ी बात है. रसूल अहलेबैत खुश हो जाए, बस हमें यही चाहिए, ये हमारा मकसद हयात है. तो तीन ऐसे सवाल आते हैं, मैं पहले सवाल बयान करूंगी ताकि आपको जवाब नहीं दिया है, ताकि उनको पता चले कि मैंने उनका सवाल का जवाब दिया है तकरीर के सूरत में. पहला सवाल ये है पूछने वाली कि आपने, हम सब जानते हैं कि सिले रहम बहुत अहम है और सिले रहम करना वाजिबात में है. अगर रिश्तेदार अपनी तल्ख जबान से दिल दुखाते रहे, तौहीन हमारी करते रहे, उसे कैसे हम दिल करें? तंस और ताना तौहीन मुसलसिल करते रहते हैं तो हमारे किसी के पास दिल भी हम नहीं खोल सकते हैं. अगर दिल खोलेंगे तो गीबत हो जाएगी कि अंदर ही अंदर हम हमारी ये दिल में रखते हैं बातें, तो हमें डिप्रेशन जैसा हो जाता है, यानी हमें सुकून नहीं हासिल हो सकता. हम ऐसे में सुकून कैसे हासिल करें? सिले रहमी का प्रॉब्लम एक तरफ तंस और ताना दिया जा रहा है, दूसरी तरफ हम गीबत भी नहीं कर सकते हैं. अब सुकून का रास्ता दिखाइए. फिर नेक्स्ट बी वाले ये पूछती है कि हम हुस्ने जन रखते हैं, पॉजिटिव में जाते हैं तो हमें ग्रांटेड ले लेते हैं, वो फॉर ग्रांटेड हमें ले लेते हैं. वो भी हमारा दिल दुखता है कि वो हमने फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हम तो पॉजिटिव ही सोचेंगे. ये एक ही औरत का क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन, हम वॉलेंट्री काम करते हैं किसी भी इदारे में इंस्टीट्यूशन में, तो हमें कोई सी बात कही भी नहीं मगर हमारे पर बोहतान लगाई जाती है, हमारे झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं, हमें झूठे करार दिया जाता है. तो ऐसे इदारे में काम करना चाहे, जारी रखना चाहे कि छोड़ देना चाहे, क्योंकि हमारी सेहत पे असर पड़ता है, हमारी तंदुरुस्ती, हमारी हेल्थ पे इसका इफेक्ट होता है, क्योंकि उन लोगों का बोहतान, उन लोगों की गलत रवैया हमारे से. हमें क्या करना चाहिए, काम को जारी रखना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सेहत को नुकसान पहुंच रहा है. और तीसरा आखिरी सवाल है कि हमें कहा गया है कि सिर्फ अल्लाह से तवक्कुआत रखना चाहिए. ओनली एंड ओनली वी शुड ट्रस्ट अल्लाह एंड वी शुड हैव उम्मीद ऑन अल्लाह. हमें अल्लाह के पास हर चीज की एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, बंदों से नहीं. मगर किसी लोगों के साथ हमारा रिश्ता इतना अच्छा होता है दोनों तरफ से, तो हम एक दूसरे पे तवक्को रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस करते हैं, क्योंकि हमारा रिश्ता दोनों तरफ से बहुत अच्छा है. मगर अब ये देखा गया कि कभी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी का दिल दुखाया तो इतनी तकलीफ हुई क्योंकि अब एक्सपेक्टेशंस तो टूट गए, तवक्को तो सारी टूट गई, ऐसा लगता है पूरी दुनिया टूट गई और हम डिप्रेशन के मरीज हो गए. अनएक्सपेक्टेड थिंग हुई, इतना एक दूसरे से मोहब्बत थी, इतना अच्छा रिश्ता था, उन्होंने ऐसे दिल दुखाया कि हमारा, इसके वजह से हमें ऐसी अजियत हुई कि हम डिप्रेशन के मरीज हो गए. हमें अब क्या करना चाहिए, हमारे अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज पैदा करनी चाहिए इन तकालीफ से हम बचे और हमें डिप्रेशन से अपने आप को बचाए. तो ये लोग समझ लें कि उनका सवालात मैं पढ़ चुकी, तब फिक में ये सवालात नहीं आएंगे. मैंने चंद आयतों को, कुरान की आयतों को चुना और कुछ अहदीसों को चुना, क्योंकि कुरान और हदीसों को जब तक हम जमा नहीं करेंगे सकलें तो टॉपिक बाहर नहीं आती है. हम कुरान के भी मोहताज है, हम अहदीसे के भी मोहताज है. दोनों को जब जमा करते हैं तो बात बिल्कुल वाजे हो जाती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सी सिफात इख्तियार करनी चाहिए डिप्रेशन से बचने के लिए, तंदुरुस्ती की भी हिफाजत करने के लिए, हमें ऐसे लोगों का मुकाबला कैसे करें.
तो पहले सबसे पहले मैंने सूरह राद की 13 नंबर का सूरह वर्ष नंबर 11 को मैंने इंतखाब किया। ये अहम तरीन पूरी तकरीर का अहम तरीन ये बात है, इसीलिए मैंने उनको सरनामे कलाम ठहराया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह ला युगयिरु बिकौमिन हत्ता युगयिरु बिअन्फुसिहिम। इस आयत मुबारका में सूरह रात 13 नंबर का सूरह 11 नंबर की आयत में अल्लाह फरमाते इन्नल्लाह वेरीली बेशक इन ला युगयिरु बिकौमिन, कौम को अल्लाह तब्दील नहीं करेगा। ला युगयिरु बिकौम हत्ता युगयिरु हत, जब तक वो खुद अनफुसिहिम खुद को तब्दील ना करे। अल्लाह कहते तुम एक कदम आओ मैं 10 कदम आऊंगा, तुम एक हाथ को बढ़ाओ मैं 10 हाथ को बढ़ाऊ, तुम मेरे पास चल के आओ मैं दौड़ के आऊंगा तुम्हारे पास। हदीसे कुदसी के जुमले है, हदीसे कुदसी भी को शामिल कर दिया। मगर ये पहला कदम मुश्किल तरीन कदम है। मगर एक मर्तबा हमने जिहाद में नफ्स कर दिया, जिहाद अकबर कर लिया, पहला कदम उठाया जो बहुत मुश्किल तरीन है। तो हम दुनिया में आए इम्तिहान के लिए, तो हर इम्तिहान तो आसान ही होगी, कुछ को कुछ इम्तिहान मुश्किल होगी कुछ आसान होगी। तो हकीकी हमारा मकाम बनता है कि जब मुश्किल इम्तिहान में हम जिहाद भी नफ्स करके कामयाब हो। ये है दुनिया, आखिरत बनाने के लिए हम दुनिया में आए हैं, मिजरातुल आखिरा। तो आखिरत बनाना, अल्लाह की खुशनूदी हासिल करना, रसूल और अहले बैत की खुशनूदी हासिल करना एक आसान काम नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुश्किल काम है, मगर करना पड़ेगा। तो ये आयत को पहले हम आवाजें कह रहे कि जब हम अपने को नहीं बदलेंगे तो हम अल्लाह किसी कौम की बदलने वाले नहीं। अल्लाह मदद, अल्लाह की मदद शामिल हाल नहीं होगी। सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकु, ए यहलोदिन आमनु, हमें खिताब है डायरेक्ट इन तंसुरुल्लाह, तुम अल्लाह की मदद करो तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। देखा, फस्कुरूनी अस्कुरकुम, तुम अल्लाह को याद करो तो अल्लाह तुम्हें याद करेगा। पहला कदम उठाना हमें है हर जगह में। देखो पहले हमारे से मांगा गया, ऐसी कई आयतें कुरान में मैंने 2-3 की याद दिलाई। तो सामने वाला अगर बदतमीजी करता है तो हमें अपने को बदलना पड़ेगा, वो नहीं बदलेगा। हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, खुदा उनको तौफीक दे, हमारा दिल क्यों दुखाता है, क्यों बहतान लगाता है, क्यों हमने अच्छे काम से रोकना चाहते है? नहीं, हम काम को जारी रखना चाहता है, वो तो हमने रोकना चाहते, मगर हम क्यों अच्छे काम को रोके, बल्कि जिहाद करे, अपने को बदले कि उनका मुकाबला कैसे हम करें। वही अगेन वही टॉपिक है लास्ट टाइम की, पॉजिटिविटी में आना, पॉजिटिव थिंकिंग में आना है, कुछ करना है, पॉजिटिविटी को सोचना है और बार बार अपने को याद दिलाया जाए कि हम इम्तिहान के लिए दुनिया में आए। तो मुश्किल है, मुश्किल इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा और आसान इम्तिहान जैसे सूरह दहर, सूरह दहर है इसीलिए कि विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना, स्ट्रॉन्ग इरादा करना कि मुझे गुनाह नहीं करना है, मुझे अपने को बदलना है, मुझे सामने वाले के लिए तो दुआ करना है कि वो बदले, मगर मुझे खुद को बदलना है ताकि मैं इस जिहाद में नफ्स में कामयाब हो जाऊं, मुझे बदलना है। तो इसीलिए तो उलमा बताते हैं मासूम की हदीस की रोशनी में कि सूरह दहर खास इसीलिए कि स्ट्रॉन्ग इरादा, स्ट्रॉन्ग विल पावर करने के लिए सूरह है। उसकी 2-3 आयत में क्या है, इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज फज नबतली ही, हमने इंसान को मिले जुए नुतफे से पैदा किया, नबतली ही, सारा जोर इम्तिहान पे, नबतली ही एग्जामिनेशन के लिए, हमने उनको इम्तिहान के लिए पैदा किया। इसीलिए भी हमने क्या था, फौरन फज अल्लाह समीम बसीरा, हम उनके सुनने वाले कान दिया और देखने वाली आंखें दी, समीम बसीरा समाज की सिफत दी, देखने की सिफत दी, ताकि ये दो आजा व जवाड़े इस्तेमाल करे हिदायत के लिए, ये टूल्स से राय हक पे रहने के लिए इनको इस्तेमाल करना है, जो सुनो उन पे अमल करो, जो देखो उनसे इबरत हासिल करो और अपनी जिंदगी बनाओ। तो ये दोनों आजा व जवाड़े अल्लाह ने ऑर्गन्स दिया है, फजलना समय बसीरा इन हदयना सबीला, फिर हमने अल्लाह कहते हैं मेरे राम हिदायत दे दिए, इम्मा शाकिरुम इम्मा कफूरा, देखा फिर मैंने आजाद छोड़ दिया, तुम शुक्रगुजार बनो कि कुफरानी नेमत करो, तुम्हें छोड़ दिया,
जमान जैसी कीमती नेमत मैंने दी, आंख कान मैंने दिया, मैंने अक्ल दी, मैंने फितरत बेहतरीन फितरत पे पैदा किया, मैंने अंबिया भेजा, मैंने औलिया भेजा, मैंने अइमा भेजा, मैंने किताबें भेजी, अक्ल जैसी नेमत दी जो बातिनी रसूल है, बातिनी नबी है, सब कुछ मैंने हिदायत के सारे सामान दे दिया, फिर आजाद छोड़ दिया, क्योंकि मैंने नबतली के लिए पैदा किया, एग्जामिनेशन के लिए मैंने पैदा किया। तो पता ये चला कि इस एग्जामिनेशन पास होना आसान नहीं है। हम लोग हमें कभी ने कभी एग्जामिनेशन हॉल में तो बैठे एग्जाम देने के लिए पर्चा करते रहते, मेरे करीब वाला पर्चा को गलत आंसर कर रहा है, मैं तो कॉपी नहीं करूंगी ना, मैं तो मेरा बेस्ट करूंगी, मेरा ट्राई करूंगी, मुझे तो फर्स्ट ग्रेड चाहिए। तो हम एक दूसरे को कॉपी नहीं करेंगे, अच्छे काम में कॉपी करेंगे, अच्छे काम में एक दूसरे को कभी बुरे काम में हम कॉपी नहीं करेंगे, उनसे बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। फिर घंटी होती है, 3 घंटे का पेपर है तो घंटी बजती है कि पेपर टाइम अप, टाइम इज ओवर, अभी है तुम्हारा पेपर हम कलेक्ट करेंगे, अब चेकिंग का टाइम शुरू होगा। तो बस ये घंटी मलिकुल मौत है, हम एग्जामिनेशन के पैदा हुए, मलिकुल मौत आए, कहा अभी तुम्हारा पेपर दे दो, तौहीद का पेपर, अदालत का पेपर, नबुवत इमामत कयामत का पेपर, नमाज और रोजा हज और ज़कात फुरवे दीन का अखलाकियात का पेपर, तवल्ला तबरा का, हम अभी करेक्ट करेंगे, चेकिंग होगी अभी तुम्हारी, तो एग्जामिनेशन के लिए आए, बस ये है दुनिया। तो फिर हमें बहुत मेहनत करनी है, एक अच्छा इंसान, अच्छा मोमिन, अच्छा अहले बैत के मानने वाले को हम मुंतजिर इमाम है, हम इमाम जमाना की इंतजार करते, इमाम को हमारे खुश अखलाक चाहिए, तो बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। जितना हम आसान समझते जिहाद बिन नफ्स इतनी आसान चीज नहीं है, मेहनत तो मशक्कत है, सब्र तहमुल है, फॉरबेरेंस, हिल्म की सिफत चाहिए हमें, गुस्से को जब्त करना पड़ता है और नेकी को जारी रखना पड़ता है। तो ये अभी दो आयत, किस तरफ दो आयत हो गई, अब हमने देखी तीसरी आयत में क्या कर लूंगी। तीसरी आयत में कहे आयत कहती है सूरे बनी इसराइल, सूरे इसरा भी कहते उनको, 17 नंबर का सूरा, वर्ष नंबर 7 का बीच में वाला जूज है। इन असंतुम असंतुम ली अनफुसिकुम व इन असातुम फलह, इन असंतुम जिसने नेकी की, असंतुम खुद के लिए की, अपने खुद की भलाई की, व इन असातुम फलह बुराई की तो अपने खुद की बुराई के लिए क्या। यानी इंसान अच्छाई करता है तो अच्छाई उनके पास लौट कर आती है, इंसान ने बुराई की तो बुराई उनके पास लौट कर आती है, ये अल्लाह का कानून है, हजरत आदम से लेके कयामत तक ये कानून रहेगा। तुम अच्छाई करोगे तुम्हारे पास पलट के अच्छाई आएगी, तुम बुराई करोगे किसी का दिल दुखाओगे ये तुम्हारे पास पलट के आने वाली बुराई, उसका अजाब हमें भुगतना है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो तुम अच्छी असम तुम असम तुम नेकी करो तुम्हारी खुद की भलाई करो, यही मौला अली का जुमला बार बार मैं हर कई मजलिसों में पढ़ती हूँ, दर्स में भी, इमाम की आज तक मैंने किसी पे एहसान नहीं किया, मौला पूरा इस्लाम एहसान मंद आपका, अगर मैंने किया तो मेरे खुद की भलाई के लिए किया, मैंने खुदा की खुशनुदी हासिल की, मैंने जन्नत को कमाया, मैंने दर्जा हासिल किया। तो जो करता है अच्छा है खुद के लिए करता है, जो बुरा करता है खुद के लिए करता है। तो ये दिमाग में आयत रखने सूरह बनी इसराइल की 17। फिर इतने हद तक कि सूरह जिलजाल की आखिरी 2 आयत में एक ऑर्डिनरी मोमिन फकीर बन गया, उसने कहा ये आखिरी 2 आयत सूरह जिलजाल 99 नंबर का सूरह, आयत नंबर 7 और 8, ये 2 आयत वो उनको फकी बना, पूरा दिन को समझ लिया कि पूरा दिन अदालत पे मबनी है, अल्लाह इतना आदिल है। فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ an atom of good you do get to see it, an atom of evil you do get to see it। एटम की बात करता है, जर्रा बराबर नेकी की तुम देखोगे, जर्रा बराबर बुराई की तुम देखोगे। देखा जानबूझकर मैंने चांद आयत उठाई ताकि कुरान का दर्स, अक्सर ये क्लास शुरू हुई थी कुरान और फिक्र के लिए, तो अखलाकियत में तब्दील हो गई है तो अच्छा है, तुम्हारे को कुछ कुरानी का आयत लेनी चाहिए तो हम कुरान से भी मुतालिया करें, उनसे भी हमारा वाबस्ता ले। आयत नंबर देने का मकसद ये है कि आप उनसे मुतालिया करो, मैं तो थोड़ा थोड़ा हर आयत में बताती हूँ, मगर आपको तफसीर नमूना में अल मीजान में आपको तफसीलात मिलेंगे, बहुत मजा आएगा, मगर दर्स एक लिमिटेड टाइम होता है इसीलिए हम तफसील में नहीं जाते, मगर इशारा दे देते कि आपको मुतालिया करना पड़ेगा।
फिर लोग डर जाते कि मेरी मजाक होती है, मेरी तौहीन करते हैं लोग, मेरी मजाक उड़ाते हैं, हमारी हमारी यानी वगैरह वगैरह ह्यूमिलिएट करते हमें, जी तंस और ताना देते हैं हमें, हमारा रिश्तेदार वगैरह सब जिससे हम काम करते हैं, जो झूठे इल्जाम लगाते हैं। के लिए हर रोज सूरे यासीन में हमें याद दिलाया जाता है। सूरे यासीन 36 नंबर का सूरा है, उनका वर्ष नंबर 30। हर रोज हमें कौन यासीन, हर कोई हर रोज पढ़ता है। 30 नंबर में आयत में हमें याद दिलाया जाता है, या हसर अल इबाद मा यातिम मिन रसूल इल्ला कानु बिही मुस्तज़ऊन मुस्तज़ऊन। या हसरत, हाय अफसोस, अल्लाह अफसोस करे, अफसोस अल्लाह अफसोस करे उनके बंदों पे, या अल्लाह इबाद मेरे उस बंदों पे अफसोस है। क्या अफसोस है? मा यातिकुम मिन रसूल, कोई ऐसा रसूल या नबी मैसेंजर नहीं आया, मा यातिकुम मिन रसूल इल्ला कानू बिही मुस्तहज़िऊन, कि उनकी मजाक ना उड़ाई गई हो, उनकी तौहीन, उनकी ह्यूमिलिएट ना किया गया, उनकी जलील ना किया गया हो। कोई ऐसा नबी नहीं गुजर, जबकि मुजिजात देखते थे, उनके कमालात को देखते थे, उनकी मासूमियत को देखते थे, इस्मत की सिफत सब देखने के बावजूद उनकी मजाक उड़ाते थे, उनकी तौहीन करते थे। तो फिर हमें कैसे लोग छोड़ेंगे? हम तो गुनेगार है, हमारे लिए तो फायदा है, हमारे तो गुनाह के बख्श का सामान बना। जो मासूम को दुनिया ने नहीं छोड़ा, हजरत जकरिया को क्या तोहमत दी, तोबा तोबा तोबा, जीना की तोहमत, हजरत दाऊद को वगैरह के कैसे कैसे, तुम रसूलुल्लाह को क्या कहा, पागल तक भी कहा, जिसको सादी कमीन कहते थे वही लोग पागल जादूगर शायर कहने शुरू कर दिया ना। ये इतनी तोहमत है, इतना जलील करते थे, पत्थर फेंकते थे, गंदगी फेंकते थे, नजासत फेंकते थे, और रसूल खामोशी से गुजर जाते। जो अफजलुल आलमीन है, ये मॉडल है हमारे, हम ये नहीं कि कहां रसूल कहा नबी कहा, ये मॉडल है, कुछ तो अपनाना पड़ेगा, हमारे लिए उसवा हसना बन के आए। हम ये बार बार नहीं कह सकते वो तो मासूम थे ये सब बर्दाश्त कर सकते, हम तो गैर मासूम कैसे बर्दाश्त, नहीं हमारा फायदा अलग है, वो तो मासूम थे मगर हम गुनेगार है, तो हमें फायदा क्या हो रहा है, तो हमारा गुनाह की माफी का बख्श सामान बन गए। अगर किसी ने हमारी तो ये पॉजिटिव थिंकिंग आ गई। अब बस ये चंद आयत की खाली मुझे तिलावत करनी थी, अब मैं हमारा मौजू शुरू हो चुका है इस आयत की रोशनी में। तो पता ये चला कि हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले देखो जितना कुरान का मुतालिया और अहादीस का मुतालिया करेंगे, इतनी हमारी जिंदगी कामयाब बनेंगी, कामरान बनेंगी। तो हम अब देखेंगे चौथे इमाम ने क्या कहा अपने सहाबी के, चौथे इमाम ने अपने सहाबी से ये कहा कि जब वो बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे कि लोग तंज ताना देते हैं, लोग परेशान करते वगैरह, लोग अजियत देते हैं वगैरह, बहुत लोगों ने, तो चौथे इमाम ने क्या कहा, डोंट ब्लेम पीपल, लोगों को कसूरवार नहीं बनाओ, बल्कि अपने आप को कसूरवार बनाए, अपने आप को कसूरवार बनाए। कैसे अपने आप को कसूर, कि जरूर मुझसे कोई गुनाह हो गया है, अल्लाह ने ये मौका देता है, बख्शिश का सामान है, मगफिरत का सामान है, कि फलाना ने मेरा दिल दुखाया, अब अल्लाह चाहता है कि मेरे गुनाह बख्शा जाए। लोगों को ब्लेम मत करो, तुम्हारी ग्रोथ होगी, तुम ग्रो हो जाएंगे, तुम बुलंद मकाम जाए, तुम अल्लाह की कुर्बत हासिल करोगे। तुम चौको जरूर, शायद मुझसे कोई गीबत हो गई आज, शायद मैंने किसी की गीबत सुन ली आज, शायद मैंने झूठ बोलिया होगा, शायद मैंने किसी का दिल दुखाया होगा, शायद मैंने आज बेपर्दगी की, शायद आज मिस गैदरिंग में मैं मेकअप के साथ चले गई, ना मेहरम देख लिए मुझे आज, काश मैंने आज मोजे नहीं पहना था, देवर ने देख लिया मेरा पैर को, वगैरह वगैरह। फौरन तदब्बुर करे, तफक्कुर करे कि मेरा कोई गुनाह नहीं, अल्लाह मुझे इतना चाहता है, अल्लाह लव्स मी सो मच कि उसने मेरा तंस और ताना दिया, मेरा दिल दुखा और मेरे गुनाह की बख्श का सामान। मैं उसको ब्लेम नहीं करती, मैं मुझे आई ब्लेम माई सेल्फ, मेरा कोई गुनाह था कि अल्लाह ने, उनको तो अल्लाह अजाब देगा, उनको तो अल्लाह नहीं छोड़ेगा, मगर हमारा तो, हमें तो पॉजिटिव में आ गए, हमें तो पॉजिटिव में आ गए कि मेरे गुनाह का बख्शी का सामान। यही चौथे इमाम ने पूरा कोड ऑफ कंडक्ट दूसरी जगह में जोहरी को बताया। जब जोहरी मौला की खिदमत में आया, बहुत बार बार आप सुन चुके हैं,
मगर सवाल आए हैं तो मुझे जवाब देना, मुझे रिपीट करना पड़ता है ये सवाल। तो ये जोहरी आए बहुत परेशान परेशान थे, आए चौथे इमाम। अभी वो कहे अपनी परेशानी से पहले इमाम तो पहचान गए चेहरे से के बहुत परेशान हाल, मासूम मासूम होते। तो कहा जोहरी परेशानी किस लिए, इमाम को भी मदद करनी है, वरना इमाम बेहुदा सवाल नहीं करेगी हमारी जय, हमें तो सिर्फ पूछना है पूछने की खातर। इमाम को तो तरबियत करनी है, इमाम को तो दर्स देना है, इमाम को तो उनकी जिंदगी बनानी है। कहा जोरी है परेशानी किस लिए, कहा मौला चारों तरफ से लोग परेशान कर रहे, तंज ताना अजियत, वो लोग भी जिसपे मैंने एहसान किया है वो एहसान फरामोश होके मुझे तकलीफ पहुंचा। अब उसने अपनी कंप्लेंट तो कर लिया इमाम के पास, अब इमाम की तरबियत शुरू हो गई। बहुत कीमती, मैं तो कहती हूँ हर घर में ये जुमले लटका के रखना चाहिए, इमाम के मफहूम में बयान कर, अल्फाज मेरे है, इमाम का मफहूम आपके सामने बयान करती हूँ। इमाम ने पहली बात किया कि जोहरी जबान की हिफाजत कर, जबान दोस्त को दुश्मन बना देता है, जबान की हिफाजत पहली चीज। जबान, हम कभी जबान को इतना मिसयूज कर लेते हैं हमें खुद को पता नहीं होता। इस्लाम ने ओवर फ्रैंक भी कबूल नहीं किया, वो तो अभी हम जिक्र करेंगे, जो लोग दिल दुखाते तंस और ताना देते, जो लोग तौहीन करते हैं मजाक उड़ाते उनका क्या गुनाह है, अभी हम इसका जिक्र बाद में करेंगे। मैं उनको तो पॉजिटिव थिंकिंग तरफ ले जाऊं कि जिनों लोगों ने मुझे सवाल पूछा है उनका हक बनता है कि पहले उनको मैं बता दूं, पॉजिटिव में आना है पॉजिटिव में। चौथे इमाम ने पूरा कोड ऑफ कंडक्ट पॉजिटिव थिंकिंग में दिया पूरा। उस वक्त भी यही कहा था कि जब शिबली ने हज किया फिलोसोफी के बगैर, इमाम ने कहा ऐसी हज क्या तूने किया फलसफे के बगैर। इमाम ने जब उनको पूछा कि खाने काबा को तुमने देखा तो कौन सी दुआ की, उन्होंने कहा कोई दुआ नहीं की। इमाम ने तालीम क्या की, तो खाने काबा को देखते तो काश ये दुआ करते कि मेरी सोच और मेरी जबान से हर मुसलमान महफूज रहे। सोच और जबान, देखा पहले सोच का पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो पॉजिटिव जबान, तो जबान पॉजिटिव में हरकत करेंगे, जैसी सोच ऐसी जबान, ऐसा दिल, दिल की पाकिजगी होगी तो अच्छी जबान होगी, अच्छी सोच होगी तो अच्छी जबान होगी, और जबान दिमाग और दिल के दरमियान में है, तो दिल को साफ रखना है सोच को साफ रखना है तो जबान खुद ब खुद अच्छी रहेगी। इमाम ने पहला जुमला कहा जबान की हिफाजत करो, वो डिप्रेशन लाता है, वो परेशानियां लाता है, जबान जो इंसान पे गमजदा कर देता है अगर मिसयूज हुआ, उनको तकलीफ और डिप्रेशन में मुब्तिला कर देता है, उनको तकालीफ और मुश्किलों में फंस जाना पड़ता है। फिर इमाम ने क्या कहा जोहरी, अगर तू ये सोच के इस्लाम तो भाईचारा का मजहब, तेरे से जितने बड़े है इस्लाम में तेरे बाप है, तो क्या तेरा सगा बाप तुझे दिल दुखाएगा तो तू क्या दिल में रखेगा, तू हर तेरे से बड़े को तेरा बाप समझ तो नजरअंदाज कर दे, माफ कर दे। इमाम देखो कहते क्या सोच, इस वक्त ये सोच के मेरा बाप है, तेरे से छोटा तुझे तकलीफ पहुंचाया तेरी औलाद समझ, अगर तेरी औलाद ने तेरा दिल दुखाया तो क्या उनसे तू नाराज हो जाएगा, तेरे बराबर वाला ने दिल दुखाया तो तेरा भाई समझ, इस्लाम भाईचारा का मतलब मोमिना इख्वा, तेरा भाई को तू माफ कर देगा, सगे भाई को, तो हर मुसलमान एक दूसरे का भाई है, माफ कर दो। फिर इमाम ने कहा इससे तेरे डिसिप्लिन ना हो सके, इससे तेरी तरबियत ना हो सके, अब इमाम मस्जिद तरबियत करते, अब इससे तेरी डिसिप्लिन ना हो सके, तो ये नहीं कर पाया कि बड़े को बाप समझ के छोटे को बच अल्लाह समझ के बराबर, तो ये सोच कि जितने लोग मेरे से बड़े है ना क्योंकि उनको जिंदगी ज्यादा मिली मुझसे तो नेकी करने का भी टाइम ज्यादा मिला, तो उसने मुझसे ज्यादा नेकी की है तो लिहाजा मुझसे बेहतर, अल्लाह के नजदीक वो ज्यादा नेकी की है तो अल्लाह के नजदीक वो बेहतर है, तो क्योंकि वो अल्लाह के नजदीक मेरे से बेहतर है तो मैं उनको माफ कर देता हूं। तेरे से छोटा ने तेरे दिल दुखाया तो तू ये सोच कि उससे तुझसे कम गुनाह किया है, अगर कम गुनाह किया है तो तुझसे बेहतर है अल्लाह की निगाह में, इंदल्लाह बेहतर है तुझसे, तो जो अल्लाह के निगाह में जो बेहतर हो उनको तो दरगुजर कर दे, माफ कर दे। तेरा बराबर हर हम उम्र का तेरा दिल दुखाया
तो तू अपना ऐबों को तो जानता है, तुझे यकीन है कि मेरे में ये ऐब है, मेरे में ये ऐब है, मुझे गुस्सा आ जाता है, मेरी जबान गलत यूज वगैरह वगैरह। उनके ऐब के बारे में तुझे यकीन नहीं है, शक है। तो यकीन शक पे हावी है, तो तेरे ऐब तुझे यकीन है, उनके ऐबों के बारे में तुझे शक है, तो यकीन शक पे हावी है, तो लिहाजा वो तुझसे बेहतर है। तू तुझसे बेहतर, जो अल्लाह की निगाह में तुझसे बेहतर है तो उसको माफ कर दे, कि जो अल्लाह से नजदीक बेहतर हो उसको माफ करना ही चाहिए। अगर तुझे इससे भी डिसिप्लिन नहीं हुआ, अब देखो इमाम, अगर उससे भी तुझे सबर नहीं आया, बर्दाश्त नहीं हो सका, तो तू ये सोच कि जिसने तुझसे बदतमीजी की तुझे गुनाह की माफी का अपॉर्चुनिटी दे दिया। देखा ये जुमला था, तुझे तेरे गुनाह का बख्शीश का सामान बन गया, फौरन इस्तगफार कर ले, एक मौका मिला तुझे, उसने दिल दुखाया। दिल में रखना नहीं चाहे कि डिप्रेशन आ जाए, खुश होना चाहे कि खुदा मुझे ये मिला, अपनी तरबियत कर, किसी के बताने की जरूरत नहीं कि दिल खोलना ताकि गिबत हो जाए, जरूरी नहीं है। याद करे इमामों की बातें, फिर तो तुम ये सोच न, अगर किसी ने तुझे इज्जत दी तो ये नहीं सोचना मेरे में कोई खूबी है। देखा इमाम डिसिप्लिन कर, किसी ने जलील किया, तंस दिया, ताना किया, तो ये सोच कि मेरी गुनाह का बख्शीश का सामान बना। मगर किसी ने इज्जत दिया तो ये नहीं समझता कि मेरे में कोई खूबी है इसलिए मुझे इज्जत, नहीं, उनकी खूबी है अखलाक की जो मेरी इज्जत करता है। कैसा इमाम खुश अखलाक बनाने के लिए एक पूरा कोड ऑफ कंडक्ट हमें देता है, पूरा कोड ऑफ कंडक्ट खुश अखलाक बनाने के लिए। तुम ये सोचो कि ये उनकी अखलाक कितना बेहतर है कि मुझे इतना एहतराम कर रहा है। फिर आखिरी में इमाम फरमाते, तूने ये जुमला कहा कि मैंने उन लोगों पे एहसान किया है, वो एहसान फरामोश हो गए। तो तू नेकी किसके लिए करता है? हाँ मौला खुदा के लिए, नहीं, ये जबान से तू कह रहा। अगर तू वाकई खुदा के लिए करता तो तू ये जुमला ही ना कहता कि मैं लोगों पे एहसान किया, वो एहसान फरामोश हो गए। तू कहता ही नहीं ये जुमला कि एहसान फरामोश हो गए। अल्लाह के लिए इंसान करता है तो अल्लाह से तवक्को रखता है, एक्सपेक्टेशन शुड बी फ्रॉम अल्लाह। नेकी में फी सबीलिल्लाह किया तो भी अल्लाह से तवक्को रखी, अल्लाह मुझे उसका अजर देगा, बंदे से क्यों एक्सपेक्ट किया तुमने? जोहरी ने तौबा किया, वाकई मेरा कसूर है, मेरा कसूर। देखो इमाम ने कितनी बेहतरीन, इसीलिए वो औरत कहती है कि हमें कहा गया अल्लाह से तवक्को रख, वो बंदे से तवक्को रखा क्योंकि रिश्ता अच्छा था, तो रिजल्ट क्या हो, डिप्रेशन में गया। डिप्रेशन क्या, डिप्रेशन में मुब्तिला हो गया ना। पता ये चला कि डिप्रेशन इसीलिए हुआ कि बंदों से तौबा को रखा। जब मासूम बार बार कहते मौला अली की हदीस नाजुल बलागा, बंदों से तौबा को ना रखो, उम्मीद अल्लाह से हो, चाहे जितना अच्छा रिश्ता हो, कभी भी ये रिश्ता खराब हो सकता। आज दुनिया तुम्हें आसमान तरह बुलंद करेंगी, कल जमीन के आखिरी तबके में फेंक देंगी, तुम्हारे एहसान बेहसान कुछ उनको याद नहीं रहेगा। हर चीज अल्लाह के लिए करो, तवक्को अल्लाह से रखा जाए, बंदों से ना रखा जाए, तो कोई डिप्रेशन नहीं आएगा, कोई सेहत में नुकसान नहीं आएगा, अल्लाह ही देगा हमें हर नेकी का बदला। तो कभी भी एहसान फरामोश वाले का तो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघे, उनकी तो हालत बहुत बुरी होने वाली, जन्नत की खुशबू तक भी नहीं सुनेंगे। तो फिर सोच ले, इसीलिए अलकमा को छठे इमाम ने कहा, अलकमा भी इसी तरह छठे इमाम के पास आए थे। हम दुआ अलकमा पढ़ते हैं ना, बड़े बड़े सहाबी को भी दिल दुखता है, तो ये जिहाद आसान नहीं है। बड़े बड़े इमाम से राबेता कायम करने वाला को भी अजियत होती है क्योंकि वो मासूम नहीं है। तो अलकमा भी इसी तरह इमाम के पास आए थे, तो इमाम ने पहला जुमला किया, याद रखना अलकमा, न तू किसी की जबान को बंद कर सकता है, न तू किसी हरे को खुश कर सकता है, न तू किसी को हरे को राजी भी नहीं कर सकेगा, तू अल्लाह को राजी कर ले, बस तेरा काम अल्लाह। तू हरे को राजी भी नहीं कर सकेगा, हरे की जबान भी बंद नहीं कर सकेगा। जो अंबिया को नहीं छोड़े है, अइमा को नहीं छोड़े है, औलिया उलमा को नहीं छोड़ते, तो हम जैसे गुनेगार को कैसे लोग छोड़ने वाले? छठे इमाम तालीम करते, फिर एक एक नबी की मिसाल दी उनको छठे इमाम, नबी जकरिया पे क्या से तोहमत आई, नबी अय्यूब पे क्या तोहमत आई, नबी याकूब पे क्या तोहमत आई, फलान फलान रसूल पे क्या तोहमत आई, मौला अली पे क्या तोहमत आई, जो आप सुनते रहते हो उसको मैं रिपीट नहीं करती। छठे इमाम अलकमा को तसल्ली दी, जिन मौजिज नुमा को देखते थे उनका फवायद उठाते थे, तो हम तो गुनेगार हैं।
तो याद रखना, इंसान अपनों को ग्रो करना है, इससे बर्दाश्त की सिफत होनी चाहिए। जिहाद भी नफ्स के लिए है कि हम किसी की जबान बंद नहीं कर सकेंगे, जिनको जो बोलना है बोलता रहेगा, ना तो हम किसी को यानी खुश, हर एक को खुश कर सकते। खुश भी जिसको खुश भी क्या, कल का नहीं पता कि वो कैसा एहसान फरामोश हो, कल का उसका नहीं पता। तो तवक्को बंदे से रखी, इसीलिए डिप्रेशन है, क्योंकि आपस में रिश्ता बहुत अच्छा था, इसीलिए हमने एक दूसरे पे तवक्को रखा, पर जब उसने दिल दुखाया तो एक्सट्रीम में चले गए, डिप्रेशन में चले गए। तो ये हमारी खुद की खता है। इंसान अपने किस्मत का खुद खालिक है, ब्लेम करता है, ये तो मेरी किस्मत में लिखा था, ये तो मेरी तकदीर में लिखा था, ये तो मेरी डेस्टिनी में लिखा था। ये इल्जाम लगाता है तकदीर को, ये इल्जाम लगाता है अपने कदर पे। इंसान खुद खाली के अपनी तकदीर का, अपनी डेस्टिनी इज इन आवर ओन हैंड्स, वी बिल्ड द डेस्टिनी, नॉट अल्लाह। इमाम अली से जब किसी ने पूछा गया कि कितना अल्लाह के हाथ में कितना बंदा, कि पहला एक पैर को उठा, उसने एक पैर को उठाया, कब दूसरा उठा, मौला गिर जाऊंगा, बस ये पहला पैर उठाना तेरे अख्तियार में है, तुम 50% तेरे अख्तियार में, तू मेहनत और मशक्कत कर, जिहाद भी नफ्स कर, सब कुछ कर, तो ये 50% अल्लाह तेरी मदद करे। पहला कदम तू उठाओ, अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाए। दूसरा कदम तू नहीं उठा सका, ये अल्लाह के अख्तियार में। तो किस्मत तू बनाता, ये 50% एक पैर तू खुद उठा सका, जितना तू कर सकता है तू खुद कर, फिर अल्लाह से तवक्को रख कि अल्लाह तेरी मदद करेगा, हर हाल में अल्लाह तेरे साथ रहेगा। तो इंसान खुद अपनी किस्मत का खालिक है, ये सोचना चाहिए। तो फिर अब हम जल्दी से देखे, टाइम हो रहा है मेरे मसाइल का, कि अब उन लोगों का क्या अजाब होगा, उनका देखे कि जो हमारा दिल दुखाते हैं। हमें तो कहता है यू ग्रो, तुम तो बड़े होंगे, तुम बड़े इंसान हो जाएंगे, अभी हम बहुत छोटे इंसान है, हमें बड़ा होना है, तो लोगों का तंज ताना को बर्दाश्त करना है, बोले वो हमारा एडवांटेज लेते हो, ग्रांटेड लेते हो, जो करे अच्छा ही करता है इंसान, खुद के लिए करता है, बुराई करता है तो खुद के लिए करता है। बस इन चंद जुमलों को अपने मुसल्ले में याद हर रोज करे तो इंसान पॉजिटिव थिंकिंग में आ जाएगा। तो अब देखो रसूल ने कैसे वक्त में ऐसी बड़ी नसीहत की, क्या मजलिसों में सुनते हो। देखो पहली वो लोग हिजरत करना पड़ा मक्का से मदीना, इतना रो रहे थे किसके लिए ज्यादा कि खाने का, अपना माल फैमिली छोड़ रहे थे, वो भी एक दुख था, मगर सबसे बड़ा दुख था उनको इश्क था खाने का, बस तवाफ से इश्क था, तो बहुत रोते थे, मगर मक्का छोड़ना पड़ा। 8 साल के बाद अब मक्का रहे, इसमें कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का हुआ है, तो काबा के देखने जैसे पागल हो गए। एक माँ कई सालों से 8 साल से बिछड़ी हुए बेटे से या बेटी से 8 साल के बाद बेटा और बेटी की मुलाकात हुई, गुम हो गया था, माँ की क्या हालत होगी। इसी तरह खाने काबा को देते, कोई लिपट गया था, कोई रोता था जारों का था, कोई खुशी के आंसू बहा रहा था, कोई लिपट गया था खाने काबा से। अजीब मंजर, रसूल ने फायदा उठाया, रसूल ने यह मंजर देखा, कहा तुम इतनी मोहब्बत दिखाने का बस, तो यार उसे हद से ज्यादा। तो याद रखना मोमिन की इज्जत दिखाने का वैसे भी ज्यादा है। मोमिन का जो कल्ब है हरम उल्ला है, अल्लाह का पहला हरम मोमिन का कल्ब है, जो विलायत अइमा में मानता है, विलायत अइमा में उनका कल्ब अल्लाह का पहला हरम है, उनकी इज्जत इस खाने काबा से ज्यादा है। तो तुम्हें एक सवाल पूछ, अगर कोई खाने काबा की तौहीन करे, कोई खाने काबा की बेहुर्मती करे, तोड़ दे, तो तुम्हें क्या होगा। यार उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सके, हम हर दिन बर्दाश्त नहीं कर, तो फिर मोमिन की इज्जत उससे बड़ी है। मोमिन का दिल दुखाना, खाने काबा को टुकड़े टुकड़े करना, खाने काबा की तौहीन करना, खाने काबा के मजाक उड़ाना से भी ज्यादा गुनाह है मोमिन के दिल दुखाना, मोमिन का दिल दुखाना, मोमिन की अजियत पहुंचाना। इतना इतना कीमती दिल है जो हरमुल्लाह है, जहां रसूल और अहले बैत की मोहब्बत है, उस दिल को दिल दुखाना अल्लाह बर्दाश्त नहीं कर सकता। गोया खाने काबा को टुकड़े टुकड़े कर दिया, खाने काबा की तौहीन की, रसूल खामोश नहीं हुआ। कहा 1000 मुकर्रब फरिश्ते को कत्ल करना बराबर, 1000 मलाइका को कत्ल करना एक मोमिन का दिल दुखाना, तो वो अल्लाह छोड़ेगा उन लोगों को जो तौहीन करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनको तो अल्लाह नहीं छोड़ने वाला है,
तो बहुत गुनाह ने अजीम है, गुनाह ने कबीरा है, खाने काबा को टुकड़े टुकड़े करना, खाने काबा की तोहमीन करना, हजार मलायकों को कत्ल करना, एक मोमिन का दे इस्लाम शरीयत को बदल देती है मोमिन की वजह से। अगर तुमने मुस्ताब रोजा रखा है, मोमिन ने दावत दी तो रोजा तोड़ो, मगर मोमिन का दिल नहीं तोड़ना। मोमिन का दिल वो दावत तुझे दे रहा है, उसका दिल टूट जाएगा अगर तूने मना किया। रोजा तोड़ो मगर मोमिन का दिल नहीं तोड़ना। तुम खाने काबा का तवाफ कर रहे, कोई मोमिन तुम्हें बुला रहा, तोड़ो मुस्ताहब तवाफ को, तोड़ो मोमिन का दिल नहीं तोड़ो। तुम एतकाफ करते, दो दिन हुआ है, अभी तीसरा दिन नहीं हुआ है, और मोमिन को मोमिन में बुला रहा है, तोड़ो एतकाफ, मोमिन का दिल ना तोड़ो, एतकाफ को तोड़ो। शरीयत बदल जाती है, मोमिन के दिल की इतनी अहमियत है, तो उन लोगों का क्या हश्र होगा कि इतना दिल दुखाते हैं लोगों का। ये जबान, किस्मत का राज इसमें है, कामयाब जिंदगी जबान में है। अच्छी जबान इस्तेमाल की तो कामयाब जिंदगी है, बुरी जबान इस्तेमाल की तो नाकामयाब है दुनिया और आखिरत, तो खुद का नुकसान है। और इमाम खुमैनी तो हर वक्त अपने दर्स में जबान की जिक्र ही करते थे। इसमें ये खास ये दर्स में देते थे इमाम खुमैनी कि कयामत के दिन दो लोगों की जबान इतनी लंबी हो गई होगी कि लोग उसमें उसपे उसके लोगों के कदमों से रोनते हुए जाएंगे, लोगों का कदमों उन पर कुचलते हुए जाएंगे, इतनी लंबी जबान होंगी उन लोगों को, लोग उन पे से चलेंगे जबान। दो लोगों, एक गरीबत करने वाले, क्योंकि इज्जत मोमिन की इज्जत बहुत कीमती है, और इज्जत को जो पामाल करता है, और या तोहमत उससे बड़ा गुना, बोहतान तो गिबत से बड़ा गुना के गिबत तो चलो ऐब है वो बयान किया, बोहतान तो ऐब नहीं है और झुठलाया उससे भी बड़ा गुना। तो गिबत का गुना तो कयास उलूवियत है, गिबत के लिए इमाम खुमैनी कहा हदीस की रोशनी में, तो बोहतान का गुना कितना बला, उनकी जबान किस तरह लोग उसमें कुचलते हुए जाएं। और दूसरा शौहर के सामने जबान दराजी कर, जो औरत शबन को शौहर को जबान दराजी करते, तांस देती तानी मैंने तुरे में क्या देखा वगैरह वगैरह, जबान दराजी करते इमाम खुमैनी ताकीद करते, फिर कहते थे जो बेटी जो लड़की है वो जबान दराजी करती है तो उसकी माँ को दुगना गुना मिलेगा, क्योंकि माँ से सीखा तो माँ अपना गुना भी भुगतेंगी और बेटी का भी भुगतने वाली है, बेटी एक गुना भुगतने वाली है, माँ दुगना गुना भुगतने वाली है। तो आप खुद सोचे कि जबान के लिए इतना ज्यादा कहा गया है कि पूरा पूरा अशरा पढ़ते तो पूरा नहीं हो पाता। एक किस्सा सुनाऊं तो जाती हूँ आपके अमल पे, ताकि तो याद रखना जो अच्छा ही करता है उनको, जो आप झुठलाया, आप नेकी मत छोड़ो, आप इदारे में वॉलंटरी काम करते हो तो सीने को कुशादा को रब इशराहली सौदरी वयस्सिरली अमरी, मुझे सीना कुशादा कर दो, मैं ग्रो हो जाऊं, मैं तानसाना सुनू, मुझे झुठलाया जाए, मैं नेकी को क्यों छोड़ू, मगर सेहत में असर पहुंच ही रही है तो फिर छोड़, सब लोग परेशान होंगे, घर वाले भी, ये हुकूक उन्नास हो जाएगा। अगर सेहत में आप में वो बर्दाश्त नहीं है, शरे सदर नहीं है, कुशादा दिल नहीं है, आपकी सेहत में नुकसान पहुंच रहा है, या डिप्रेशन का मरीज हो जाते हो तो आपको खुद को नुकसान नहीं है, फैमिली को भी नुकसान पहुंचता है। हमारी हर रवैया हमें फैमिली को साथ के ताल्लुक है हमारा, उनको भी नुकसान, तो हुकूक उन्नास में कमी हो रही है, तो फिर आप छोड़ दो वो काम, आपको लगे कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है तोहमत वगैरह। इसी तरह आपको लगे कि नहीं डिप्रेशन का आने वाला, इससे पहले जल्दी अपने को ग्रो करे, पॉजिटिव थिंकिंग में चले जाओ, दो हफ्ते से पॉजिटिव थिंकिंग का दर्श जारी है, तो हमें बहुत उसका ख्याल करना चाहिए कि हमें वो न करे, समझ में आई ना बात। तो फिर बात ये हो रही थी कि सॉरी, हाँ, तो फिर हाँ एक किस्सा सुनाती हूँ, जो आयतुल्ला शहीद मुर्तजा मुतहरी अपनी किताब अदले इलाही में ये किस्सा लिखा है। शहीद मुर्तजा मुतहरी इमाम खुमैनी ने उनको अपना बेटा करार दिया था, इतना अजीम आयतुल्ला थे। वो अपनी किताब में ये किस्सा लिखते हैं, अलहाज मिर्जा अली आका शिराजी का किस्सा लिखा है। अली आका शिराजी बहुत बड़े मुबल्लिग थे, बहुत दर्श दुरुस्त देते थे, बहुत बड़े आलिम थे, बहुत खिदमत की है इमाम हुसैन की, बहुत खिदमत की दीन की।
वो खुद अपना ख्वाब अपने शागिर्दों को बयान किया है, जो शहीद मुर्तजा मुतर इस किताब में लिखते हैं। वो फरमाते हैं कि एक दिन वो दर्श देते देते एकदम से रोने लग, आयतुल्ला अशिराजी एकदम से रोने लग। सब स्टूडेंट्स हैरान, कभी ऐसा नहीं, आज इतना रो रहे हैं। फिर जब खामोश हुए, पूरी उनकी दाढ़ी जो है आंसू से तर हो गई, इतना रोए। फिर खुद बयान किया कि मैं इतना क्यों रो पड़ा, मुझे मेरा ख्वाब याद है, कल रात को मैंने ख्वाब में देखा कि मैं मर चुका हूं, मेरी रूह कब्ज हो चुकी है, मुझे गुसल दिया गया, मुझे कफन दिया गया, नमाज जनाज़े पर मुझे कब्र में उतारा गया, कब्र बंद हो गई। अभी कब्र बंद, सफेद कुत्ता आया, सफेद कुत्ता आया मेरी कब्र में। मैं बहुत घबरा गया, मैं बहुत परेशान था। मुझे बताया गया कि तेरी तल्ख जबान, यानी मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी था, अच्छी बात करता हूं, अच्छा पढ़ाता हूं, अच्छी हदीसें बयान, मगर मेरी जबान जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, फ्रैंक तो मैं फ्रैंक था। तो ये सफेद कुत्ता जो है, मेरी वो जबान जो सख्त जबान मैंने इस्तेमाल किया, वो मुजस्सम हुई सफेद कुत्ते में। इतने में इमाम हुसैन आए, मेरी मदद की, मेरी परेशानी दूर करके कुत्ते को भगाया और मेरी आंख खुल गई। मगर पता चल, अच्छी बातें, अच्छी हदीसें, अच्छी हिदायत, मगर तल्ख जबान इस्तेमाल करना, मगर सख्त जबान इस्तेमाल, उनके लिए भी कुछ सफेद कुत्ता कब्र में आ सकता है। तो आप सोचिए कि जो दिल दुखाते हैं इतनी, तो उनकी कब्र में क्या हालत होगी। आप सोचिए जो खिबत करते हैं, लोगों का दिलो दुखाते हैं, तो आप सोचिए, तंज ताना देते हैं, जलील करते हैं, बहुत एहतियात से जिंदगी गुजारने की है। तो आपके सवालात के मैंने ये तकरीर को बना लिया है। तो उम्मीद है कि इस तकरीर को आप पॉजिटिव लेंगे और अपनी जिंदगी बदल देंगे। एक कदम आना है, अल्लाह 10 कदम आएगा। बस अब मैं ज्यादा नहीं बयान करती हूँ क्योंकि टाइम हो गया है। अब मैं सवाल और जवाब की किताब, एक बात ये कहती हूँ, ये किताब में आपको बहुत चीज मिलेंगी। ये किताब है, लिखा है कैफरे गुनाहाने कबीरा, उर्दू में है, कैफरे गुनाहाने कबीरा। अब हमें बहुत ग्रो होगा, हमें ग्रोथ होगा। आयतुल्ला सैयद हाशिम रसूली महलाती, आयतुल्ला सैयद हाशिम रसूली महलाती, आप इसमें से बहुत बातें मिलेंगी। जरूर आप ये किताब को खरीद लेना और खुद मुतालिया करना, आप देखें जिंदगी बदल जाती। अब जरा 2-3 मसाइल नमाज जमात का और फिर आपके सवाल के जवाब। पहला सवाल ये है, पहला सवाल ये है कि हम, पहला मसला ये है कि हमारी बात यहां तो हुई कि अगर हम तीसरी रकत में ज्वाइन हो रहे हैं पेश इमाम को, हमारी अभी पहली रकत है, और हमें शक है या यकीन है कि मैं सूरा पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो रुकू में इमाम को कैच नहीं कर सकूंगी, इमाम को मैं कैच नहीं कर सकूंगी, पहले से पता है या शक है मैं कैच नहीं कर सकूंगी, तो फिर एहतियात वाजिब है आप किरात में ज्वाइन नहीं होंगे, रुकू में ज्वाइन होंगे, नियत करके तकबीरत एहराम करके रुकू में तो आप वेट करेंगी कि इमाम रुकू में जाए, क्योंकि आपकी पहली आपको सूरह पढ़ने का है, मौलाना पढ़ेंगे पेश इमाम तस्बीहात अरबा, आप नियत करेंगे तकबीरत एहराम करेंगे फिर सूरह अलहम तो कम से कम पढ़ना है, पहले से पता है हम भी नहीं पढ़ सकूंगी, तो फिर आपके लिए एहतियात वाजिब है नियत तकबीर करके रुकू में जब हो जाए तब ज्वाइन होना। ये मसला लास्ट टाइम हो गया, वहां से मैं कंटिन्यू करूं। मगर आपको कम से कम इतना यकीन है कि सूरह फातिहा पढ़ सकूं, दूसरा सूरह नहीं पढ़ सकूं तो इजाजत, तो ज्वाइन हो जाओ। कम से कम सूरह फातिहा के बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इतना यकीन है कि मैं सूरह फातिहा तो पढ़ सकूंगी और इमाम को रुकू में ज्वाइन हो जाऊंगी, चाहे बस भले वो जिक्र खत्म कर रहा हो और मेरा शुरू हो, वो कोई बात नहीं, मैं सूरे फातिहा तो फिर ज्यादा सवाब ले लो किया तो किया मैं ज्वाइन हो जाए, मगर सूरे फातिहा अधूरा रह जाएगा तो फिर आप एहतियात वाजिब है कि रुकू में ज्वाइन हो जाए। अब दूसरा मसला 11425, अब आपको यकीन था कि मैं सूरा पढ़ूंगी, आपको फास्ट है वो 3 मरतबा तस्बीहात अरबा पढ़ेगा तो मैं सूरा पढ़ लूंगा, पहला भी ना दूसरा भी आराम से पढ़ लूंगा, फातिहा पढ़ लूंगा, कौसर पढ़ लूंगा और इमाम को रुकू में, भले रुकू में पहले चले जाएंगे मगर मैं कैच करूंगा रुकू में ही, चाहे वो दुरूद पढ़ता हो क्यों ना, मैं कैच करूंगा रुकू में, आपको यकीन है कामिल था।
आपने दूसरा सूरा पूरा किया रुकू में जा रहे तो उसने रुकू से उठ खड़ा हो गया, पेशमा रुकू से उठ गए, तब भी हमारी नमाज सही है। क्यों? यकीन था। देखो यकीन और शक में कितना फर्क। यकीन था कि मैं दो सूरा पढ़ूंगी, तीन तस्बीहातें पढ़ेगा, रुकू का जिक्र शुरू करेगा तो मैं ज्वाइन हो जाऊंगा, मुझे कोई मसला नहीं है कि आल अजीम अभी हमदी वगैरह पढ़ेगा, सलवात भी पढ़ेगा, मैं फौरन ज्वाइन हो जाऊं। मगर आपने जैसे रुकू में जा रहे थे वो सर उठा लिया रुकू से, अब आपकी नमाज सही है, बा जमात नमाज आपकी नमाज कबूल होगी, नमाज जमात मानी जाएंगी। क्यों? कि आपको यकीन था कि आप उसको कैच करेंगे रुकू में, मगर इत्तफाक से आप कैच नहीं कर पाए, तो नमाज बा जमात का पूरा सवाब है। आप इमाम के साथ कंटिन्यू करके नमाज पढ़े, इंशाल्लाह वो नमाज सही। आज के लिए आखिरी मसला, अगर इमाम कियाम में है, आप एंटर हो इमाम कियाम में है, मगर आपको नहीं पता जहर असर की नमाज में क्योंकि साइलेंट सूरा पढ़ा जाता है, सलात इख्तिफाती है, इख्फाती है, सलात इख्तिफाती है, खामोश, तो आप क्या करेंगे? आपको शरीयत कहती है कि आपको अब सूरा दोनों पढ़ेंगे, आप कुर्बत के नियत से दोनों सूरा पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं कि पेशमान किस रकात में है। पहली दो में तो सूरा नहीं पढ़ते, तीसरी चौथी में तो सूरा पढ़ते हम, मगर आपको पता ही नहीं कौन सी रकत में है। तो अब शरीयत कहती है कि एहतियात वाजिब है कि तुम दोनों सूरा पढ़ो कुर्बत के नियत से, कुर्बा नियत ऑफ कुर्बा, फिर आपको पता चल रहा है कैसे आप कैच कर रहे हैं। इतने मसाइल आ गए तो बस काफी है। तो आज का ये आखिरी था, अब अभी हम सवालों जवाब में जाते हैं, आपके सवालों। पहला सवाल ये है कि क्या मुमय्यिस की गीबत कर सकते हैं? नहीं, वो भी जायज नहीं, मुमय्यिस की गीबत भी नहीं कर सकते, जायज नहीं, हराम। अगर किसी औरत की बचपन की तस्वीर बेपर्दगी में ना मेहरम देख सकते, बचपने की तस्वीरें और बचपने की तस्वीर है और बेहिजाबे की नाबालिग की तस्वीर है, क्या वो नाबालिग देख सकते? उलमा ये जवाब देते अगर सूरत में खास तब्दीली नहीं हुई है, आज जो बालिग में जो सूरत है वो ही तकरीबन सेम है, तो ना मेहरम नहीं देख सकता चाहे बचपन की क्यों ना हो। मगर सूरत में बिल्कुल तब्दीली आ गई है, बिल्कुल सूरत तब्दील हो गई आज की और बचपने की, तो फिर ना मेहरम देखेगा तो गुनाह नहीं है। वो दूसरा सवाल एबोर्शन का आया था, तो वो पूछती है कि एबोर्शन तो माँ बाप ने करवाया, डॉक्टर हिंदू था या गैर मुसलमान था, वो दोनों नहीं जाते तो वो तो नहीं करते, तो क्यों दियत वो देगा? वो हिंदू या गैर मुसलमान, उनको ब्लड मनी देने का है, उनको दियत देने पड़ेगी, हालांकि वो कत्ल में शामिल है, वो वहां तक गए हॉस्पिटल तक, तो क्यों वो देंगे? वो हिंदू डॉक्टर या गैर मुसलमान डॉक्टर, क्यों? कि असर आपको मैं मिसाल दे चुकी थी, मैं दोबारा देती हूँ, क्योंकि सवाल आया है। आपको मैंने गन दिया, गन मैंने आपको दिया, पिस्तौल मैंने आपको दिया तैयार करके, और डायरेक्शन मैंने आपने बताया उसको, अभी अभी चलाओ गन, आप अभी चलाओ, सारी तैयारी मैंने कर दिया, निशानदेही आदमी की मैंने करवाई, आप गन चलाए तो किस में दिया वाजिब होगा? जो फाइनल का उससे कातिल वो है, मग उसको कत्ल का गुना है जिसने उनको गन हाथ में दी, उनको डायरेक्शन अब चला, तो उनको कत्ल का गुना है, मगर उसको दियत नहीं देनी है, क्योंकि फाइनल काम जिसने किया वो दियत देता है, वो कफारा देता है, वो ब्लड मनी देता है। तो फाइनल काम हिंदू ने किया, गैर मुसलमान ने किया, उनकी शरीयत में नहीं है, तो बस माँ बाप पे नहीं है, माँ बाप गुनेगारे, बहुत बड़े गुनेगारे, बच्चे के कत्ल में शामिल है, उनको तौबा इस्तिग़फ़ार कसरत से करनी पड़ेगी, नमाज जाफर ज़रिया के जरिए, सदक़े के जरिए, नमाज शब के जरिए, मुस्तव रोजे के जरिए, उनको बहुत ज्यादा तौबा करनी पड़ेगी, मगर उनको दियत नहीं देनी पड़ेगी। जो फाइनल गन चलाता है, फाइनल जो काम करता है, वो हकीकी में बच्चे का कातिल माना जाता है, वो दियत देगा। तो माँ बाप कत्ल में शामिल है, गुनाह में शामिल है, मगर दियत माँ बाप को नहीं देनी होती, ये सवाल था। क्योंकि ऐसी उनका कहना है फिजिकल फिजिकल हरकत में फिजिकल काम में करते हैं, एक्सरसाइज है उसमें कोई म्यूजिक हो, हमारी इंटेंशन एक्सरसाइज है, तो उलमा ने इजाजत दी है बेशर्त कि आप उसमें दिलचस्पी ले ही नहीं रहे हो,
आपने इग्नोर कर रहे हो, आपका काम जो एक्सरसाइज में आपका तवज्जो है, मगर रूह को असर होगा, रूह को असर होगा, मगर गुनाह नहीं लिखा जाएगा। रूह को तो तकलीफ होगी तकवा में, मगर गुनाह नहीं लिखा जाएगा, क्यों? आप एक्सरसाइज की स्टेप्स के लिए, उनके लिए ये जरूरी है, तो वो इजाजत है, गुनाह नहीं है, मगर रूह को तकलीफ होगी। इमाम अली और बीबी फातिमा की कहानी कितनी ऑथेंटिक है, देखो इसमें ऑथेंटिक नहीं देखना होता है, अखलाकियात में, दुआओं में, इन मोजिजातों में, इसमें आपको दिल चाहते पढ़ो इजाजत है, उसमें ऑथेंटिक नहीं होता भी पढ़ने की इजाजत है। फिक में इजाजत नहीं होगा, फिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक में बहुत ऑथेंटिक हदीस चाहिए उनको फतवा तैयार करने के लिए, ऑथेंटिक मुतवातिर हदीस वगैरह, वो लोगों को वो चाहे वाजिब हराम करने के लिए, उसके लिए बहुत मसला है ऑथेंटिक है कि नहीं। इनमें अगर ऑथेंटिक नहीं है, आप एक अच्छी चीज पढ़ रहे हैं, एक मोजिजा पढ़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं। मगर फिर उन्होंने सेकंड क्वेश्चन इसी में पूछा है कि क्या कंपल्सरी हर शबे जुमा कहानी पर, कोई कंपल्सरी है ही नहीं, कोई वाजिबात में है ही नहीं, मुस्तहबात में भी नहीं है, वाजिबात तो दर किनारे है, मुस्तहबात में नहीं है, बस एक अच्छा अमल है, रिजा की नियत से पढ़ते हैं, सवाब की उम्मीद में, रजा की नियत से हम पढ़ते हैं कि हमें खुदा उम्मीद है तो हमें इसका सवाब देगा, रजा की नियत है, वाजिब तो दर किनार मुस्ता भी नहीं है, रजा की नियत से हम ये कहानियों पढ़ सकते, वाजिब है ही नहीं शबे जुमा, कहते इसके बदले मेरा दिल चाहते मैं सूरे फातिहा वगैरह का हदिया करूं, तो ठीक है बहुत अच्छी बात है, आप इसके बदले सूरे फातिहा, सूरे इखलास, कुरान का हदिया, जो कुछ हदिया करना है, सदके का हदिया, रमास का हदिया, उसके बदले आप उसमें ज्यादा तवज्जो है, तो ठीक है, वो तो कुर्बतन इल्लाह से भी कहेंगे, कुरान हर वक्त है तो कुर्बतन है, कुरान नमाज हर वक्त कुर्बतन है, सदका हर वक्त कुर्बतन है, तो आप कुर्बतन वाली चीज कर सकते हैं, मगर कहानी पढ़ सकते हो रजा की नियत से, कोई हरज नहीं, मगर हरगिज वाजिब नहीं है, बल्कि आप इसमें इबादत को शामिल करते हदिया देने के लिए अली और फातिमा को, तो वेरी गुड, वो बहुत राजी होंगे, इंशाल्लाह आपका हदिया कबूल होगा। ओके, किशमिश को पूरी रात ऑरेंज जूस में भिगा के सॉक करके दूसरे दिन हम केक में इस्तेमाल करते, जायज है, उसमें कोई शराब नहीं बनता, उसमें कोई लिकर बिकर कुछ नहीं बनता, जायज है, आप पूरी रात किशमिश को ऑरेंज जूस में भिगा के नेक्स्ट डे आप इस्तेमाल करते खाने पीने में, केक वगैरह में, बिल्कुल जायज। अब ये बहुत बड़ा सवाल है, हैज और इस्तिहाजा को डिफरेंस, ये तो पूरा चैप्टर पूछ रही है ये औरत, हैज और इस्तिहाजा का डिफरेंस बताइए, तो ये देखती हूँ आखिर में थोड़ा सा बताऊंगी, तौजील मसाइल में सब ये लेसन पहले हो चुका है और अलग से कभी करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिफरेंस क्या है हैज और इस्तिहाजा, ये तो बहुत पूरी टॉपिक पूछ रही है, एक सवाल नहीं है, तो अभी उसको ठहरा देती हूँ, बाद में देखूंगी। कि आजकल लोग रिकॉर्डिंग करते, आप टेलीफोन में बोलते हैं तो कोई रिकॉर्ड कर देता है तुम्हारा, तो आगे आगे फॉरवर्ड करते हैं, अगर वॉइस नोट भी आपका रिकॉर्ड करके आगे करते हैं वगैरह, वो जायज नहीं है, हराम काम हो रहा है, आप कैसे किसी की इजाजत के बगैर उनकी बातों को रिकॉर्ड कर सकते हैं? मजलिस की बात अलग है, एक मजलिस एक बहुत अच्छी चीज है, उसने शर्त नहीं लगाई है कि मेरी रिकॉर्ड नहीं करना, शर्त नहीं लगाए, और एक अच्छी चीज एक शरीयत की चीज है, तो उसमें इजाजत मिलती है अगर उसने शर्त नहीं लगाई, इसमें अगर रिकॉर्डिंग में शर्त नहीं लगे तब भी नहीं कर सकते, ये तो एक आपस में बेहुदा बात भी हो सकती है, क्या बात हो सकती है, गुस्सा भी हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट हो सकती है, हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते गुनाहें, बताने क्यों लोगों कब्र और कयामत से नहीं डरते, कब्र और कयामत तो बहुत दूर की बात, इसी दुनिया में अपने खुद की परेशानी को जमा कर रहे, अपनी किस्मत पे कुल्हाड़ी मार रहे, अच्छी किस्मत को बदकिस्मत में बदल देते, गंदा दिल है किसी को आवाज वगैरह रिकॉर्ड करना, ये डर्टी हार्ट है। ओके, ये सवाल में लेक्चर में आ गए, हम कोई कम्युनिटी में अच्छा काम करना चाहते हैं और हम कम्युनिटी में अच्छा काम करना चाहते हैं इस अंदाज में कि हम एक सबको कहे कि आप जैसे मिसाल वो देती हर कोई 100-100 रुपया दो तो हम जमा करके हम भेजेंगे पाकिस्तान भेजेंगे और ऐसे काबिले भरोसा इंसान को या इदारे को
कि वो गरीब लोगों को देखता हो, किसी की स्कूल की फी देता हो, किसी का घर का किराया देता हो, किसी की दवा, डॉक्टर की दवा हो, मेडिसिन के लिए वगैरह वगैरह, वो खिदमत नीडी पीपल की खिदमत करता हो, और यकीन है कामिल हो, भरोसा वाला इंसान हो, तो क्या हम ऐसी चीज शुरू कर सकते कम्युनिटी में? क्यों, हर चीज कर शुरू कर सकते अच्छा काम, मगर आप पाबंद नहीं कर सकते कि सब लोग एक ही रकम, आप डब्बा रखो, किसी को 50 रुपया डालना है, किसी को 10 रुपया डालना है, किसी को 1000 रुपया डालना है, किसी को 500 डालना है, हर एक मर्जी के ये हम ये डब्बा रखा है यहाँ, ये इस जगह में रहेगा, जिसको उसके डब्बा में ताला लगा दो, उस डब्बे में ताला लगा दो, फिर आप कुछ दिनों के बाद खोलो, जो आए आप रकम भेज दो गरीबों के लिए। तो आप रकम की फिक्स नहीं कर, मजबूर नहीं किया जा सकता, सब सो दो यानी सो दो, कोई गरीब उनको 20 देना है, तो इसी तरह आप अच्छा काम है कि लोग कम्युनिटी वाले मिलके ये तैयार करें और वो इंशाल्लाह वो ये फायदा उठा सकते हैं कि ऐसा काम कर सकते हैं, उसमें कोई मना नहीं है। मगर उसने एंड में कहती है कि उसमें हम खुम्स नहीं लेंगे, हम जकात नहीं लेंगे, हम सदका भी नहीं लेंगे, नहीं ये ऐसा काम नहीं हो सकता। सदका की नियत कर दे सब, क्यों, सदका सैयद को भी जायज है, गैर सैयद को मुस्तहब सदका, वाजिब सदका, जकात फितरा वगैरह वो हराम है सैयद पे, गैर सैयद की तरफ से, गैर सैयद का वो नहीं हराम, मगर मुस्तहब सदका सब महाराज ने इजाजत दे दिए, तो क्योंकि वो भी कुछ नियत करेंगे तो उनका हौसला अफजाई होगा, सबके बला दूर, सबके से बीमारियां दूर होती है, पैसे में मल्टीप्लीकेशन होता है, तो कोई तो नियत करे ना कि हमें भले ये नियत हो कि हम गरीब की मदद करना चाहते, मगर सदके की नियत, इमाम जमाना की सदके की बेस्ट नियत ये करो, तो सैयद गैर सैयद सबके लिए बेस्ट होगा, इमाम जमाना के सदके की नियत हम देते हैं, या अल्लाह की खुशनूदी के लिए हम देते हैं, रसूल और अहले बैत की खुशनूदी के लिए हम गरीबों के देते, कोई तो नियत करे, आप आइडिया दे सकते हो, इमाम जमाना का सदका बेस्ट, इमाम जमाना को हदिया करते हैं, शहजादी फातिमा का अय्याम है तो उनको हदिया करते हैं, जिसकी शहादत विलादत हो तो उनको हदिया करते हैं, कुछ नियत करनी पड़ेगी, उसमें सदके भी कर सकते, इमाम जमाना की सेहत और सलामती का भी सदका कर सकते, वो सैयद गैर सैयद सब सब उसके हकदार है, उसके लिए कोई मसला नहीं है। आपको ऐसे अच्छे काम करना है, कौम की हौसला अफजाई, गरीबों का ख्याल रहे हर वक्त, इंसान सेल्फलेस रहे, सेल्फिश न रहे, दूसरे का ख्याल करे, और कई लोग अभी भी पाकिस्तान में अभी भी सेटल सही नहीं हुए हैं, तो मदद करना गरीबों, गरीब मुल्कों में बहुत हमारी बड़ी जिम्मेदारी है, तो ये अच्छा काम है, आप बिस्मिल्लाह कर सकते हो, और कुछ लोगों का कमिटी बनाए ताकि एक अच्छा सा काम आगे बढ़े, इंशाल्लाह अल्लाह बहुत बड़ा है। अब ये आज का मसाइल आपका खत्म हो गया, बस इतने थे आज, बहुत कम मसाइल थे, 3-4 तो मैंने तकरीर में डाल दिया, अभी आप वहां देखो कहां वहां है जी, तो चैट बॉक्स में जी काफी सारे क्वेश्चंस हैं आज यहाँ पर जी, बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहला सवाल ये कि हम वाजिब नमाज में सूरह देखकर पढ़ सकते हैं? वाजिब नमाज में जैसे जुमे के दिन सूरह जुमा मुनाफिकून पढ़ना हद से ज्यादा सवाब है, इसीलिए उलमा कहते मकरू तो है, मकरू यानी सही है, कबूल है, मगर सवाब कम हो जाता है, मगर फिर भी जुमा और मुनाफिकून का सवाब इतना ज्यादा है कि कदर और इखलास जो हम जबानी पढ़ेंगे उस पर हावी हो जाता है, भले कदर और हम इखलास पढ़ेंगे इसका सवाब हाईएस्ट है, मगर क्यों ये जुम्मे का कुरान में देख के पढ़ेंगे तो हमें मकरू है, मगर उससे सवाब बढ़ जाएगा कदर और इखलास, तो बेहतर है पढ़ना चाहे, मगर हाथ को अच्छी तरह कवर करें कि कहां कुरान को पकड़ेंगे तो कलाई नजर नहीं आए, ये एक्सटेंशन अच्छी तरह एक्सटेंशन पैर एक्सटेंशन कि इस तरह अच्छी तरह एक्सटेंशन हो, बल्कि अंगूठा डाल दे कि हटना ना पाए, कुरान पकड़ने में हटना ना पाए, और कोशिश करे छोटा सा कुरान हो या फोटो कॉपी हो तो पूरा कुरान पकड़ना वो जहमत इतनी ना हो, पढ़ने में कंसंट्रेशन रहे, उसकी फोटो कॉपी कर दिया जाए तो ताकर जुमा, या छोटा कुरान हो जिसमें जुमा मुनाफिकून हो तो वो हाथ में उठाए तो इजी रहेगा, और इतना लंबा स्टूल के रख दे कि आपने जब जैसे अल्लाह तकबीरतुल इहराम किया सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपको सिर्फ हाथ को साइड में करके कुरान को उठा लिया, जैसे दो सूरह खत्म हुआ आपने किबला के रूप देख रही है आपने उनको कुरान को वापस लंबे स्टूल में जो
रख दिया तो आपकी दूसरी बॉडी मूवमेंट नहीं होगी, तो आपको झुक के कहीं रखना पड़े वगैरह। तो आप कोशिश करें कम से कम मूवमेंट हो, जितना कम झुकेंगे कम मूवमेंट जायज है, मगर कम करेंगे इतना ज्यादा नमाज की वो दर्जा बुलंद हो जाएगा। मगर आप पढ़ सकते हो, देखिए सिर्फ मकू का मतलब सवाब में कमी होगी। ओके, होपफुली बहुत क्लियर होगा। अच्छा एक सवाल है कि कैन वी वेयर आवर नेम पेंडेंट इन अरबिक वर्ड्स इन हालत हैज, द नेम्स लाइक उम्मे अबीहा, जहरा, तकिया, फातिमा, द होली नेम्स। तो कैन वी वेयर द पेंडेंट इन अरबिक वर्ड्स इन हालत हैज? जी बोल। सेम इज फॉर द पिक्चर्स ऑफ काबा एंड मस्जिद नबवी ड्यूरिंग हैज और इन टॉयलेट्स एंड द ब्रेसलेट्स ऑफ नेम बीबी फातिमा विदाउट वुज़ू। ओके, अभी देखो आयतुल सिस्तानी की अगर तकलीद में है तो वो कहते अल्लाह के नाम को एनी स्क्रिप्ट में, इंग्लिश में हो, उर्दू में हो, अरबिक में हो, वुज़ू के बगैर या वुज़ू के साथ, मगर हैज में वुजू के बगैर टच करना हराम है और वुजू साथ है मगर हैज के आलम उसको टच, अल्लाह का किसी भी स्क्रिप्ट में टच करना हराम, उसका तो वाज़े फतवा है सब मराजे। मासूमीन के नाम, बीबी जहरा का नाम, इमामों का नाम, रसूल का नाम, अंबिया का नाम, होली नेम्स हो, वो कहते मुस्तहब है, बेहतर है कि उनको वुजू के बगैर मस न किया जाए, वुजू बेहतर इसमें है कि मस ना किया जाए, इमामों का नाम, बीबी का नाम, अंबिया का नाम, होली नेम्स ना टच किया जाए बेहतर है, मगर टच करे तो कोई गुनाह नहीं है, बेहतर लफ्ज क्या माने मकरू भी नहीं, बेहतर ना करे। जैसे इमाम हुसैन का जनाजा हमने निकाला है उसमें लिखा है या हुसैन, जनाजे को उठाना कोई हर्ज नहीं है, मगर या हुसैन को मस करना हैज के आलम में है या वुजू नहीं है तो मुस्तहब है कि मस ना करे, बेहतर इसमें सवाब इसमें मिलेगा कि मस न करे। आयतुल सिस्तानी फरमाते तो खाने काबा को मस करना वुजू के बगैर वो तो कोई हर्ज नहीं, खाने काबा का पिक्चर क्या, पिक्चर खाने काबा का पिक्चर है कि रोजे का पिक्चर है, वो टच करना हैज में या वुजू के बगैर उसका कोई मसला नहीं, वो टच कर सकते, सिर्फ पिक्चर है, सिर्फ पिक्चर, वो इजाजत। नाम की अहमियत बहुत ज्यादा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट, मगर इमाम खुमैनी फरमाते कि नहीं, नाम भी उन एहतियात वाजिब है कि तुम मस नहीं कर सकते हो बगैर वुजू या तो हालत हैज में चाहे भले वुजू हो, वो मना करते हैं। तो तकलीद में आयतुल सिस्तानी की तकलीद में वो जायज तो कहते हैं मगर बेहतर कहते हैं कि वुजू के बगैर मस ना करें और हालत हैज में चाहे वुजू क्यों ना हो तब भी मस ना करें। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन वी ब्रेक फास्ट हाफ एन आवर लेट बिकॉज फर्स्ट आई वॉन्ट टू फिनिश माई ऑल नमाज एंड देन वॉन्ट टू डू इफ्तार। वी कैन डू इन शिया मजहब, वी कैन डू दैट। सुन्नी मजहब में इजाजत नहीं है, सुन्नी मजहब मकरूह हो जाए उनका, उनका रोजा मकरूह हो जाता है, इसलिए वो बहुत जल्दी खोल देते अजान के अल्लाह पर रात की उनके उनकी फिका में, हमारे फिका में नहीं। इफ यू वॉन्ट टू ओपन योर फास्ट आफ्टर हाफ एन आवर नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपको सब पढ़ लेना है ताकि खाने के बाद जब जिसम ढीला हो जाते काफी लोगों का तो फिर पसंद करते कि जब पहले पढ़ ले, बिल्कुल इजाजत है शरीयत, मगर इतना लंबा न कर दे कि शरीयत बहुत ज्यादा लंबा, यानी आधा घंटा तो बिल्कुल ओके है, नो प्रॉब्लम, आधा पौना घंटा भी ओके, एक घंटा ना करे, आधा पौना घंटा तक इसलिए ओके। ऑलराइट, वो भी कहा है बेहतर ना करे, मकरू नहीं कहा है, उलमा ने कहा बेहतर इससे बहुत लंबा ना करे रोजा खोलने में। ठीक है, अच्छा अगला सवाल यह है कि हम इमाम हसन का सुफरा 22 जमादुसानी को क्यों बिछाते हैं, ये उनकी विलादत की दिन तारीख तो नहीं है? एक रिवायत में 23, कौन सी तारीख आपने बोला है, 22? 22 जमादुसानी, 22 जमादुसानी, पता नहीं, या बताते कि इमाम हसन को रान पे मारा गया था तो कोई सी जमादुसानी की तारीख थी, मगर कोई खुशी का दिन का मुझे कुछ नहीं पता, मैंने देखा एक रिवायत में मिला कि उनको उनको जख्मी किया गया था, मगर मुझे और उससे ज्यादा इल्म नहीं है, मगर हम दस्तरखान इमाम हसन विलादत में करे तो ज्यादा अच्छा है, मगर माह रमजान में होती उनकी विलादत, इफ्तारी कर सकते हैं,
तारीख करवा सकते तो और डबल सवा मिलेगा, मगर कभी भी साल में कभी भी कर सकते, चाहे उमुल बनीन का दस्तरखान हो और उमाम हसन का, ये दो दस्तरखान इतना मशहूर है जिनके जरिए इतनी हाजतें पूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों दस्तखान। साल में आपको जब चाहे आप दोनों दस्तखान बिछा सकते हैं। मुझे पता ही नहीं है कि 22 को क्यों चुना गया भाई जी जमा दिसानी को, आई डोंट नो द रीजन, आई एम नॉट श्योर ऑफ द रीजन। ओके ओके, एक सवाल आया है कि क्या हम जेंट्स टेलर को कपड़े स्टिच करने के लिए दे सकते हैं या बेटर ये है कि हम लेडीज टेलर को दें? नेचुरली बेटर लेडीज को, उनको अट्रैक्शन आ जाए। देखो आयतुल्ला खुमैनी ने खामैनी ने क्या फतवा दिया कि टूटे हुए औरत का बाल, टूटे टूट गया है, टूटे ना हो औरत के साथ स्टक भी नहीं अलग है, उनको भी देखना मना करते, उसमें भी शहवत पैदा हो सकते है मर्द को, टूटे हुए बालों, इमेजिन करो आयतुल्ला खुमैनी और खामैनी का ये फरमाया है। ये तो आयतुल्ला खुई और सिस्तान इजाजत देते कि उसको देख सकते, मगर आयतुल्ला यानी उनका उनका ये बता रहा है कि इतना शहवत आने का इम्तहान है मर्दों को, वरना वो क्यों ऐसा ऐसा कहते कि खुमैनी और आयतुल्ला खुमैनी और आयतुल्ला खामैनी कि टूटे हुए बालों को भी मर्द ना देखे औरत के, तो फिर यकीनन एक औरत की वेल शेप बॉडी होगी, हो सकता है उनको अट्रैक्शन आ जाए, रिस्क तो है मर्द, मगर मुझे नहीं लगता हराम होगा, हराम तो नहीं होगा क्योंकि वो टेलर है, आपने आपका नाप आप नहीं लेता, आपने देखो कपड़े का नाप दे दिया है, उनको नाप दे दिया और कहा तो इस नाप पे सी ले, नाप नहीं लेता है, नाप तो लेने में तो गड़बड़ हो जाएगी, आपने उसको एक दूसरा लिबास दे दिया इस नाप पे तू सी दे, तो गुनाह तो मुझे नहीं नजर आता, फिर भी मौला माँ से पूछ दूंगी, गुनाह तो नहीं नजर, मगर बेहतर अमल नहीं नजर आता है कि वो इतना शेप वाला देखे तो उसको लज्जत आ जाए, रिस्क तो है। ठीक है, अच्छा एक है कि एक शख्स ने बैंक में कुछ पैसे रखे जिस पर खुम्स नहीं निकाला था, अब उस अमाउंट पर इंटरेस्ट भी आया और फिर उस पैसे से उसने गोल्ड गोल्ड ऑर्नामेंट्स लिए हैं और वो पहन भी लिए, तो अब अगर कोई खुम्स निकालना चाहता है तो क्या करे, किस पे निकालेगा वो, गोल्ड पे या पैसों पर, और अगर गोल्ड पे निकलेगा तो आज के रेट के हिसाब से निकलेगा क्या? okay, इसका अब प्लीज क्वेश्चन स्लोली, जेब में कुछ पैसे थे, जेब में के बैंक में? बैंक में, एक शख्स के बैंक में, इसीलिए मैं सही लफ्ज नहीं सुना, अच्छा बैंक में उनके कुछ पैसे पड़े थे नंबर वन, उस पर खुम्स नहीं निकाला था, समझ गई, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आ गया, हाँ हाँ, और उसके बाद उस पैसे से गोल्ड ऑर्नामेंट्स लिए और वो हाँ, पहन भी लिए हैं, वो पहन लिए जी, अब वो उस पे खुम्स निकालना चाहता है, ओ उसने पहन लिया जी हाँ, मगर पहन लिया सही, मगर अगर उसको साल हो गया या खुम्स की तारीख आ गई, बैंक में पैसे पड़े थे उसमें इंटरेस्ट भी मिला काफिर की बैंक के, वो थे हलाल इंटरेस्ट था, जो बैंक के मसाइल हम कर चुकी हूँ मगर दोबारा रिक्वेस्ट आया है करूंगी मैं, तो अगर वो पैसे को साल हुआ या खुम्स की तारीख आ गई, जो पहले पड़े थे वो भी इंटरेस्ट मिला, सबको साल हो गया है तो खुम्स वाजिब हो गया, उससे उसने जेवर लिया और जेवर पहन लिया, तो अभी पैसे पे खुम्स वाजिब था, पैसे पे खुम्स वाजिब था ने उसने ले लिया जेवर, तो आज उनको वही कीमत की पैसे पे खुम्स वाजिब हो गया, वो कीमत पे, क्यों खुम्स जेवर पे वाजिब नहीं हुआ था, जो बैंक में पैसे थे उनको साल हो गया, उनके खुम्स की तारीख आ गई और इंटरेस्ट मिला उनको साल हो गया, तो एक्चुअली खुम्स वाजिब था पैसे पर, मगर वो गफलत में चला गया कि जिहालत में उसने खुम्स नहीं दिया और जेवर लेन के पहन लिया, तो उसको तौबा तो करनी पड़ेगी कि उसने वो जेवर पहना जिसमें किसी का हक था, तो मगर उसको खुम्स कौन सी कीमत पे देगा, वही कीमत पे जितने बैंक में पैसे थे ना उनका पांचवा हिस्सा देगा, जेवर का वैल्यू पे देने देते तो वो ज्यादा उनको देना पड़ता, जेवर की कीमत पे देते तो उनको आज की वैल्यू देनी पड़ती, मगर जेवर पे वाजिब नहीं हुआ है, वाजिब हुआ है पैसों पे, अगर फर्ज करके 6 महीने तक पैसे पड़े थे, 6 महीने जेवर नहीं पहना, 6 महीने थे बैंक में पैसे पड़े थे और 6 महीने जेवर नहीं पहना, तो जेवर पे खुम्स वाजिब हुआ, 12 महीना हुआ 6 महीने पैसे को 6 महीने जेवर को, तो आखिरी तारीख का इस साल की तो जेवर पे खुम्स, तो आज की कीमत जेवर की देनी पड़ती जेवर की, मगर क्योंकि उसके उसको ये है कि पैसे को 1 साल हो गया था, तो अभी वो कीमत जो बैंक में थे उसका 5वां हिस्सा खुम दे के तौबा कर ले और इंशाल्लाह अल्लाह माफ करेगा। ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन वी वेयर कलर्ड हेड स्कार्फ फॉर द हिजाब?
उसका सवाल लास्ट टाइम भी आ गया, कलर्ड हेयर स्काफ और शेला तुम पहन सकते हो कि जो अट्रैक्टिव कलर ना हो, ना मेहरम की आई कैचिंग कलर ना हो, जैसे मैंने बताया शॉकिंग पिंक हो वो अट्रैक्टिव कलर है, या बहुत ज्यादा चमक दमक हो कि मर्द की आंख उसकी तरफ जाए, आई कैचिंग कलर, लेमन येलो वो आई कैचिंग कलर, ऐसा कलर ना हो, या फिरोजी वो भी आई कैचिंग कलर है, तो ब्राउन कलर है, ब्लू कलर है, ऐसे कलर कोई हरत है, मरून है, ये कलर ऐसे कलर है कि वो पर्पल है, वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है जो आम लोगों से पूछा गया। अच्छा, इसके बावजूद आप जिस सोसाइटी में रहते हो उनसे दरियाफत कर सकते हो कि ये आपको कैसा अट्रैक्टिव कलर लगता है ना मेहरम के लिए, तो ना मेहरम कलर स्कार्फ पहनने का मना नहीं है, मगर आई कैचिंग कलर या आई कैचिंग डेकोरेशन ना हो। ठीक है, अगला सवाल ये है कि नौजवान लड़के अपने फेवरेट गेम्स के लोगोस का लॉकेट पहन सकते हैं क्या? फेवरेट गेम्स के लॉकेट्स? हाँ, गेम्स के फेवरेट गेम्स के लोगोस, जो लोगो होता है, जो उसका साइन होता है, उसका लॉकेट पहन सकते हैं? कौन, लड़कियां के लड़के? लड़के, नौजवान लड़के। हाँ, लड़के पहन तो सकते हैं, मगर बेहतर ही नहीं, क्योंकि एक औरत का ये जेवर पहना एक औरत की जीनत है, मर्द के लिए नहीं है, तो मना तो नहीं करेगा शरीयत उनको पहनना है तो मना तो नहीं करेगा शरीयत, हराम तो नहीं होगा, हरगिज नहीं, उनको पहनना है तो पहनने की इजाजत। जैसे लड़का कुछ इयररिंग, एक इयररिंग पहन लेता है, कुछ ने दो इयररिंग पहन लिया है, कुछ ने और सिल्वर चेन पहन लिया, लटका दिया गले में, तो एक गर्लिश किस्म का है, गर्लिश किस्म का है, हम के तो एक विमेनिश लुक है, एक मर्दानगी में कमी होने के इम्कान है, क्योंकि औरत के लिए जेवर है, उनके लिए अकीक फिरोजा की अंगूठी है, वो अंगूठी पहने, खास करके छोटी उंगली में, राइट हैंड की छोटी उंगली में मोमिन की निशानी है, सबसे छोटी उंगली में रिंग होनी चाहिए, हाइएस्ट सवाब इसका है, सबसे छोटी उंगली में है ना, उसमें रिंग होनी चाहिए, तो ये उनको तो शरीयत मना तो नहीं कि हराम तो नहीं होगा, मगर फेमिनिन आउटलुक मिलेगा उसको, में फेमिनिटी आ सकती है, मैस्कुलिनिटी में कमी हो सकती है, एडवाइजेबल नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहने हुए गोल्ड को सेल करें अगर तो उस पैसों पर क्या साल पूरे होने के बाद खुम्स होगा? यानी पहने हुए जेवर पहन लिया जी, फिर क्या है, पहन लिया फिर? पहने हुए गोल्ड को अगर सेल करें तो उसके बाद जो पैसे होंगे उसको क्या साल होने के बाद उसके ऊपर खुम्स होगा? नहीं होगा खुम्स, क्योंकि पहना हुआ जेवर था, पहने हुए जेवर पे अगर उसको बेच लिया तो उसको जो पैसे मिले साल भर रहा हो, ज्यादा रहा, तो खुम्स नहीं होगा, क्योंकि पहने हुए हो या माले मुखमस हो, आपका जेवर में खुम्स निकाल चुके थे, अब आपने बेच लिया तो खुम्स दोबारा नहीं होगा, इसी तरह आपने पहने हुए जेवर को बेच लिया, अब खुम्स नहीं होगा। ओके ओके, ठीक है, ये मेरी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हुआ है इस वजह से। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कजा रोजे बाकी हो तो क्या रोजे की मन्नत कर सकते हैं फिर भी? आयतुल्ला सिस्तानी के बाकी दूसरे इजाजत देते हैं, आयतुल्ला सिस्तानी ने एहतियात वाजिब लगाई है कि माह रमजान के कजा रोजा जिन पे हो तो मन्नत न माने, मगर उनको मसला नहीं पता था, ने मन्नत मान ली तो अब मन्नत पूरा करना वाजिब है, मगर शरत के पहले कजा रोजा खत्म करे, मन्नत को डिले चाहे जितना डिले करे, मगर पहले कजा रोजा, पहले तो कहा मन्नत नहीं माने, मगर उसको मसला नहीं पता था, ने मन्नत मान ली तो फिर अब मन्नत पूरी कर तो वाजिब है, तो पहले कजा रोजा को कंप्लीट करे, फिर मन्नती रोजा का अदायगी करे, मगर अगर मन्नत मानना है किसी को बहुत तरफ है कि मैं मन्नत मानू तो वही दे खुरासानी आयतुल्ला, वही दे खुरासानी को रुजू कर दे, वो कहते इजाजत है कि कजा रोजा हो तब भी मन्नत मान सकते, आयतुल्ला खुई ने कहा था कजा रोजा तब भी मन्नत मान सकते हो, तो आयतुल्ला वही दे खुरासी नंबर 2 में है, तो आप उनको रुजू करके मन्नत मान सकते हो, तो ये मन्नत कबूल सही मानी जाएगी, मन्नत सही मानी जाएगी। ओके ठीक है, दो सवाल सदके के हवाले से हैं, एक ये कि क्या सदका सिर्फ गरीबों को ही देना चाहिए, और दूसरा ये कि गैर सादात भी क्या अपना सदका सैयद को दे सकता है? मुस्तहब सदके की बात हो रही है, मुस्तहब सदका
तुम मालदार को भी दे सकते हो, मियां ना रवि को भी दे सकते हो, मगर गरीब को देने में हाईएस्ट सवाब है। सवाब की कैटेगरी में फर्क पड़ता है। और मुस्तब सदका सैयद को भी दे सकते हो, मगर गैर सैयद को देने में सवाब ज्यादा है। और सैयद को इमाम जामी ने, हजरत अब्बास है वगैरह, इमाम जमाना का सेहत सलामत का सदका, वो देने में सवाब ज्यादा है। और गैर सैयद का सदका सैयद को तो दे सकते हैं, मगर सवाब इसमें कि गैर सैयद को दे, इसमें सवाब ज्यादा है, मगर सैयद को दे सकते हैं। और इसी तरह सदका मालदार को, वालिदैन को, फैमिली रिश्तेदार सबको दे सकते हैं। खाली नीडी को देना, जिसको जिसको तकलीफ है, उसकी तकलीफ आपने दूर किया, इसीलिए सवाब ज्यादा बढ़ गया। ओके, ठीक है। मुस्तहिब नमाज में हिलना जुलना जायज है। मैं अक्सर मुस्तहिब नमाज में दरवाजा भी खोलने जाती हूँ, कुरान भी उठाकर सूरा पढ़ती हूँ, या कभी स्टोव ऑफ करना होता है तो वो भी करती हूँ। सुन्नत मुस्तहिब नमाज चलने फिरने में, घर में नहीं पढ़ी जाती, सफर में, गाड़ी में हो, बस में हो, रास्ते में चल रहे हो, तो वहां चलते फिरते मुस्तहिब नमाज इजाजत है। घर में तो सुकून से पढ़नी पड़ेगी, जहाँ कहीं रुके हुए है वहां चलने फिरने की मुस्तहिब नमाज नहीं पढ़ेंगे। मसला समझने में गड़बड़ हो गई है। मसला ये है कि आप चलते फिरते नमाज मुस्तहिब तब पढ़ सकते हो, सफर में हो, गाड़ी में हो, बस में हो, वॉक कर रहे हो, चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो आप चलते फिरते पढ़ो। मगर घर में है तो आप तमानी ना, आप सुकून से पढ़ेंगे एक जगह। ठीक है। अच्छा, ये इस सवाल के बारे में मुझे नहीं पता। वो कह रही हैं कि ताहिरा आंटी ने एक सवाल के जवाब में बताया था कि अल्लाह और मासूमीन के नेम हम ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगाकर और वो पहन सकते हैं। हाँ, या जय पेंडल, पेंडल है या अंगूठी है, पेंडल या अंगूठी का अल्लाह का नाम लिखा हो उसमें हम क्यूटेक्स, व्हाइट क्यूटेक्स लगाते हैं, सोनार भी लगा देता है, तो फिर आपको मसला टच का खत्म हो गया। वरना तुम अंगूठी पे अल्लाह लिखा है या पेंडल में अल्लाह लिखा है तो हराम है टच करना, या स्किन को पेंडल उलट गया तो आपकी आपकी सीने पे लग गया तो टच हुआ ना, आपका वुजू नहीं था या आप हैज में थे तो गुना हुआ ना, तो आप उसमें आप व्हाइट क्यूटेक्स कवर कर ले तो कवरिंग आ गई, तो अभी आपका टच डायरेक्ट नहीं हो रहा है नाम पे। मासूमिन के नाम पे भी अगर आपने व्हाइट क्यूटेक्स लगा दिया तो डायरेक्ट टच नहीं हो रहा है, कवरिंग आ गए, लेयर आ गया, तो इसीलिए कोई हर्ज नहीं है। हैज में भी पहन सकते हो, फिर आप वजू के बगैर भी पहन सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ओके। कैन वी रीड सूरह फातिहा इन ऑल फोर रकात इंस्टेड ऑफ तस्बीह अरबा? जी, आप पहली दो में तो दूसरा सूरा होगा, पहली और दूसरी में सूरह फातिहा के साथ दूसरा सूरा होगा। तीसरी और चौथ में वाजिब तखियरी है। वाजिब तखियरी मीन्स टू चॉइस बिटवीन टू वाजिबात, जैसे जुमा पढ़ो या जहर पढ़ो, जहर पढ़ो या जुमा पढ़ो, दोनों नहीं पढ़ने की। इसी तरह तीसरी और चौथी में या तस्बीह आते अरबा पढ़ो एक मरतबा, या सूरह फातिहा पढ़ो, तीन मरतबा पढ़ना मुस्तहब है, मगर वाजिब एक मरतबा पढ़ो या तो सूरह फातिहा, तो ये तो आपने चारों में पढ़ने की इजाजत, मगर सवाब ज्यादा तस्बीह आते अरबा, सवाब ज्यादा। मगर कन्वर्ट ही होता है नया नया, इनको पे हम सूरह फातिहा सिखाते, तस्बीह आते अरबा नहीं सिखाते, क्योंकि उनके जबान में अरबिक नहीं बैठती, तो फिर उनको हम कहते हैं तो आगे जाके तो खुद तस्बीहात अरबा बाय हार्ट करना, क्योंकि उसका सवाब बहुत ज्यादा है कि तीसरी और चौथी में तस्बीहात अरबा पढ़ो। मगर सूरह फातिहा बिल्कुल पढ़ सकते हैं, नमाज बिल्कुल सही है, खाली सवाब ज्यादा है तस्बीहात अरबा, एक मरतबा वाजिब है, तीन मरतबा मुस्तहब है। ओके, क्या मुमैस से पर्दा करना वाजिब है? अकॉर्डिंग टू आयतुल्ला सिस्तानी एहतियात वाजिब है, मुमैस का एहतियात वाजिब है कि मुमैस का पर्दा करो। फिर आयतुल्ला वहीद खुरासानी ने भी एहतियात वाजिब कहा, आयतुल्ला खामनाई ने भी एहतियात वाजिब कहा कि मुमैस का पर्दा करना, आए शुबेरे जनजानी वो कहते मुस्तहब है आयतुल्ला खुई की तरह, आयतुल्ला खुई ने भी मुस्तहब करार दिया था मुमैस का पर्दा, इसी तरह आज आयतुल्ला शुबेरे जनजानी मुस्तहब कहते हैं। तो अगर वो डिफिकल्ट हो रहा है उनके पर्दा नहीं करना है मुमैस का, तो फिर आप शुबेरे जनजानी को रुजू कर लो, तो आयतुल्ला सिस्तानी एहतियात वाजिब है, उसके बाद वहीद खुरासानी की एहतियात वाजिब है, तो शुबेरे जनजानी मुस्तहब करार दिया है, तो आप वहां रुजू कर ले, आप फिर पर्दा करने की जरूरत नहीं है, मुस्तहब है। ओके, अच्छा, शी इज आस्किंग दैट वुमेन इन वेस्ट
कैन दे डू कैन कैन वुमेन इन्वेस्ट डू हिजाब और नॉट. आई हैव हर्ड दैट आयतुल्ला सिस्तानी हैज नॉट अलाउड द नकाब फॉर द वुमेन इन लिविंग इन वेस्ट. निकाब पूरा पर्दा तो वाजिब है सबके लिए, चेहरा खुला रखने के लिए और हाथ इतना खुला रखने की इजाजत मिले, इतना इतना रिस्त तक, ये आखिरी लाइन है ना, यहाँ तो खुले रखने की इजाजत है. अगर उसमें जीनत न हो, चेहरे में ना मेकअप हो, ने हाथ में मेहंदी वगैरह नेल पॉलिश वगैरह न हो, तो इजाजत है कि कोई डेकोरेशन न हो, कोई जीनत न हो, तो इतना खुला रखने की इजाजत है. अगर जीनत है तो फतवा है कि कवर करना पड़े. जीनत अगर है चेहरे पे मेकअप है या हाथ पे मेहंदी वगैरह, तो वाजिब फतवा दिया है कि कवर करना पड़े. वरना कवर करना, अगर मेकअप नहीं है तो मुस्तहब है कवर करना. तो आयतुल्ला सिस्तानी कहते खुला रखने की दो आजा इजाजत है, हाथ और कलाई तक और चेहरा, अगर मेकअप जीनत नहीं है, ठीक है ना, वो इतना खुला रखने की इजाजत देते हैं. और फिर दूसरा आपका क्वेश्चन क्या था? यही था कि फेस कवरिंग वेस्ट में है या नहीं. हाँ हाँ, वेस्ट में फेस कवरिंग का, अगर आपकी तौहीन हो रही है, आपसे छीन लेते पर्दा और बदतमीजी हो रही है, तो क्या कवर न करना. वरना तो कवर का तो बहुत सवाब है कि वो बीबी फातिमा के साथ जन्नत में तीन औरतें जाएंगे, इसमें एक जो पूरा पर्दा किया है वो भी जन्नत में बीबी फातिमा के साथ कयामत के मैदान से लेके जाएंगे, उसका तो बहुत ज्यादा सवाब. मगर आप ऐसे शहर में रह रहे हो कि आपकी तौहीन मजाक उड़ाई जाती है, आपको छीन लेते वगैरह, तकलीफ अजियत पहुंचाते हैं, वहां आप चेहरा खुला रख सकते हो. वरना आपके कैसे, इतना वेस्ट में कितने ऐसे मुल्क है, कई औरतों करती है, कई सैदानियों पूरा करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, तो हर शहर में ये प्रॉब्लम नहीं है. जहां प्रॉब्लम उनकी बात है, वो भी बेहतर है कि हिजरत कर ले, उसको पूरा पर्दा करना है और माहौल की वजह से नहीं कर सकते, जगह को बदल दे. कुछ जगह में डिस्टर्ब नहीं करते, कुछ जगह में बहुत बुरे लोग होते कि तकलीफ पहुंचाते. ठीक है. और ये लास्ट सवाल है कि कैन वी से आमीन इन अवर वाजिब नमाज द वे अहले सुन्ना पीपल से. विकांड नमाज बातिल हो जाएगा, जानबूझ कर किया भूले से क्या, तो सीधे सहो करना पड़ेगा. क्यों? आमीन कुरान में नहीं है. नमाज में कुरान के अलावा कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, कुरान में होना चाहिए. पूरे कुरान में आमीन नहीं है. रुकू का जिक्र करते, सदे का जिक्र करते, सूरा पढ़ते हैं, और सब में आप देखेंगे कुरान का जिक्र है, पूरा नमाज कुरान है, सिवाय कुनूत में हम दुआएं पढ़ते हैं. तो सूरह फातिहा के आमीन आपने कहा तो आपने एक गलत लफ्ज डाला है नमाज में जो कुरान में नहीं है. तो फिर आपने भूले से पढ़ लिया तो नमाज सही सीधे सौ कर लो, मगर आपने जानबूझ कर किया तो नमाज बातिल हो, तो नमाज बातिल. ठीक है. और आंटी, बहुत सारे लोगों ने आपने जो बुक अभी हम लोग को शेयर की है उसकी एक दफा फिर से नाम और डिटेल्स मांगी है. Okay. अगर आप उसको स्क्रीन पे दिखा देंगे तो मैं स्क्रीनशॉट लेके और जो है सेंड कर दूंगी, अगर इसमें आपको एतराज ना हो. नजर आती है? जी जी नहीं, बहुत बहुत ज्यादा हिल रही है. आप इसका नाम दोबारा से बता दें और राइटिंग नंबर बता अभी, दें. अभी अभी सही है, थोड़ी बहुत. कई फरे गुनाहाने कबीरा, कई फरे का ये फे अरे कई फरे गुनाहाने कबीरा, लिखने वाला आयतुल्ला सैयद हाशम, आयतुल्ला सैयद हाशम रसूली महलाती. बहुत अच्छी किताब है. आप इतने पॉजिटिव हो जाएंगे लाइफ में, आप देखना बहुत कमाल किताब है. ओके, अब मैंने इसका नाम लिख लिया और मैंने पिक्चर भी ले लिया. जजाकल आंटी, थैंक शुक्रिया. जजाकल आप सबको. आकर मैं दुआ करते खुदाया परवरदिगार वास्ता तुझे शहजादी फातिमा का अंविलादत अनकरीब आने वाली. आज शहजादी उमुल बनीन की शहादत की शब है, कल उनका शहादत का दिन है. परवरदिगार ये इतनी अजीम औरत है, इतनी अजीम औरत है यार, इनकी ज्यारत के अल्फाज हम देखते हैं तो पता चलता. इमाम कहते वो तैयब व ताहिरा थी, वो तकियत नकिया थी, वो रादियत मर्दिया थी, वो साबिरा व शाकिरा थी, वो फजील फाजिला था जकिया थी. इतनी ज्यारत, एक में तो हम सलाम करते एक ज्यारत में अस्सलामु अलैकी या अजीज जहरा, ए जहरा की अजीजा, जहरा की अजीज. आप सोचिए इतनी अजीम औरत है, उम्र
उम्मुल बनीन ने अपने सारी औलाद नस्ल दर नस्ल कुर्बान करी। एक हजरत अब्बास का बेटा उबैदुल्ला बचा जिनसे अब्बास की नस्ल चली। कितनी कुर्बानियां दी है। ये इखलास, जब इंसान के पास इखलास होता है और जितना कुर्बानी का जज्बा होता है, अल्लाह उनको बाबुल हवाइज बना देता है, वो बाबुल हवाइज बन जाता है। इखलास और कुर्बानियां, इतनी कुर्बानियां इखलास की आखिरी मंजिल पे थी। इतना ज्यादा इखलास है उम्मुल बनीन। मुझे आज उसका जिक्र करना था मगर आपके सवालात की वजह से मैंने ये छोड़ दिया कि तकरीर हो गई थी आपके सवालात के जरिए। मगर इतनी अजीम औरत, इतनी बयान कोई नहीं कर सकता है कि हर लिहाज से अक्ल तो उम्मुल अक्ल कहा गया, उम्मुल खैर कहा गया, अक्ल में उम्मुल अक्ल, खैर उसने खैर ही कह, उम्मुल मकारिम यानी मकारिम अखलाक की माँ। आप देखो उम्मुल शोहदाय अरबा, चार शोहदाय की माँ मुसलसिल। आप देखो उम्मुल करामा, उम्मुल करामा करामत की माँ, उनकी किताबें भरी पड़ी है, पूरी किताबें भरी पड़ी है। क्या कोई नहीं, हर कोई उनकी वसीले से उनकी हाजत जरूर पूरी होती है अगर दिल से करता है। उम्मुल बनीन को पहले इस्तग़फार करके उनको सूरह अलहम्द है या दुरूद पढ़ के या ज़ारत अशूरा या ज़ारत वारिसा, क्योंकि इमाम हुसैन से इश्क था। अपने बच्चों की अपनी ममता को भी कुर्बान कर दिया, अपने नाम को भी कुर्बान किया कि बच्चों के माँ याद ना आए, अपनी ममता को भी कुर्बान किया। चार बच्चों के मैं नहीं चाहूंगी, मैं हुसैन को चाहती, सब कुर्बान हुसैन। इतना ज्यादा इश्क हुसैन था। तो उनकी नियाबत में कोई ज्यारत आशूरा पड़े और इमाम हुसैन हदिया करे, इनके नियाबत में कोई ज्यारत वारिसा पड़े, ज्यारत जामिया कबीरा पड़े, आप देखेंगे नामुमकिन हाजत आपकी पूरी होगी, इम्पॉसिबल काम आपका पॉसिबल हो जाएगा। नमाज जाफर इनके उनके उनके हदिया करे वगैरह, तो आप देखेंगे कि आज की रात और कल का दिन उनकी शहादत की तारीख है। जितना हो सके मातम करे, उनको याद करे, उनका जिक्र करे, उनका जिक्र सुने, उनको हदिया भेजे। बहुत उनका एहसान है हमारे कंधों पे, बहुत ज्यादा एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, हमें याद करना चाहिए। इंशाल्लाह जनाब उम्मुल बनीन का वास्ता, जनाब इमाम ज़माना को शहजादे फातिमा ज़हरा का वास्ता, परवरदिगार हम जो इल्म हासिल करते हैं अमल करने का हमें तौफीक अता, खुदावंद हमें पॉजिटिव जिंदगी, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव ज़बान, पाक दिल हासिल करने के हमें तौफीक अता, हमारी इमाम जमाना की हमें खुशनूदी अता हो, ऐसे हमें अमल करे, हमारे इमाम जमाना हमसे राजी रहे, हमारे इमाम जमाना का जोर तो जल्द कर, हमें उनका नासिर और मदद कर। आज इस गइबत कुबरा में भी, उसके जुहूर में भी, हम मुसलसिलों की हर हर लम्हे मदद कर, जिस तरह उम्मुल बनीन ने इमामों की मदद की, जिस तरीके से इमाम इमाम इमामों की मदद उम्मुल बनीन ने जो की है, उनकी जान कुर्बान की इमाम पे, इमाम वक्त पे, इस तरह हमें भी हमारी जान, हमारे औलाद की जान, सब चीज कुर्बान करके उम्मुल बनीन के नक्शे कदम चल के हम सब कुर्बान करके हमारे इमाम जमाना के लिए हम तैयार और आमादा रहे हर हाल में। आमीन सुमान सुभाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुर्सलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमा व अबीहा व उम्मीहा व बालिहा व बनिया व सिर्रिल मुस्तौदई फीहा बिअदद मा हतल इल्मुक असाबिक। हम आज इमाम ज़माना उम्मुल बनीन की ताज़ियत पेश करते हैं और आज के दर्स का सवाब हम बीबी फातिमा उसके अय्याम अभी भी जारी विलादत तक अय्याम है उनको हदिया करते हैं, जनाब उम्मुल बनीन को इमाम ज़माना को आज के हदिया करते हैं। इंशाअल्लाह इमाम बीबी आप कबूल करेंगे। आमीन सुमान।